ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस प्यारे से बैच में। वोकैब का ये बैच रहेगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा और इसमें मैं सारी की सारी कंप्लीट आपको वोकैब कराऊंगा। मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लासेस रहेंगी, शाम को 7:30 बजे से बैच रहेगा। सब कुछ नए अंदाज में होगा, नए बेहतरीन एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अगर आपने वो वर्ड मेरे से पहले पढ़ा हुआ है, अब वो वर्ड आपको एक नए एग्जाम्पल के साथ दिखेगा। क्लास 1 से ये क्लासेस होंगी और इस तरीके से लाइटिंग का इफेक्ट भी हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो 3D इफेक्ट के साथ ये क्लासेस होंगी। मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी लाइट गई थी और अब आ गई है। ठीक है, तो ये उद्घाटन है इस बैच का। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बैच को। सो आप सबसे मेरी हर क्लास में बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, और जो भी हमारे पास यूट्यूब फैमिली में नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इसी उमंग इसी उत्साह के साथ हम डेली बढ़ेंगे। क्लास की जो टाइमिंग होगी 7:30 to 8:15 रहेगी, हो सकता है 5-10 मिनट आगे भी चली जाए। किस तरीके से करेंगे, डेली का हम एक सेट इसमें करेंगे, डेली एक सेट हम करेंगे, जो आपके कम से कम ये लगाओ 25, 30 या 35 वर्ड्स हमें डेली टारगेट करके चलने हैं। 30 से 35 वर्ड हम डेली टारगेट करेंगे, एंटोनिम्स भी करेंगे, सोनानिम्स भी करेंगे, वन वर्ड भी इनमें इंक्लूड होगा और यहीं से आपकी स्पेलिंग्स आएंगी। फिर आफ्टर सम टाइम जब आपको चीजें याद होने लग जाएंगी, हम इडियम्स पे भी आएंगे, हम फिर अपना फ्रेजल वर्ब्स पे भी आएंगे, सब चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। सो द कंप्लीट वोकैबुलरी बैच आपका ये रहने वाला है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सेशन को रिवाइज करेंगे, डेली आप भी याद करेंगे। ठीक है, वो कहा से एक बार पास करना बुक। बुक देखो डियर, ये वोकैब की द कंप्लीट वोकैबरी मेरी बुक है। इसके बिल्कुल पहले सेट से मैं आपको याद कराना स्टार्ट करूंगा वर्ड्स को, पहले सेट से याद कराना स्टार्ट करूंगा। प्लस क्या करूंगा, जैसे आप आज की स्लाइड देख सकते हैं, इस तरीके से वर्ड्स होंगे बेहतरीन तरीके से। जो सारी स्लाइड्स हैं वो सारी स्लाइड्स चेंज है डियर, सब कुछ चेंज है। जीरो से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा, एकदम जीरो से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा। तो ये थी आज के मुख्य समाचार जो खत्म हुए। चले पढ़ाई लिखाई पे वापसी करते हैं। सो ठीक है, क्लास 1 है, 7:30 पे लाइव है, मंडे टू फ्राइडे बैच है, सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है। और मैं फिर से रिवाइज एक बार आपसे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं भी क्लास में चला लूं क्लास। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, और कोई भी, ठीक है, दिक्कत नहीं माननी है, आज से है जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे। बस घर बैठे बैठे मेरे साथ साथ आप वर्ड बोलेंगे, रूट मेथड से भी करेंगे, रूट मेथड से भी वोकैब करेंगे हर एक। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। हम जो है स्टोरी टेलिंग से भी कराऊंगा, निमोनिक से भी करेंगे, मजाक मस्ती में भी करेंगे, ग्रामेटिकल टर्म्स में भी करेंगे। हर वर्ड को अच्छे तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और घर बैठे बैठे आप भूत बन के नहीं बैठेंगे, आप मेरे साथ साथ वर्ड को बोलेंगे, जितना आप बोलोगे उतना बेहतरीन तरीके से वो वर्ड याद होगा। सो घर बैठे नहीं रहना है आपने, मेरे साथ साथ क्या करना है, बोलना है उस वर्ड को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ सरस्वती का नाम ले, और एक चीज याद रखिएगा, वादा करके कमेंट में भी एक बार ये जरूर कोशिश करिएगा लिखने की भी, ताकि उस कमेंट को आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हाँ सर, मैं वादा करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और ऐसा नहीं करूंगा कि आज पहली क्लास है तो चोचलेबाजी कर दूं कि हाँ आग लगा दूंगा, भाई साहब सब कुछ, सर बिल्कुल बेफिक्र रहो, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा कर रख देंगे, 100% वो कैब याद करूंगा, और 2-4 दिन के बाद वो नशा उतरे, ऐसा नहीं करना है। कोई भी एग्जाम, स्लाइड से पे आ जाता हूँ और मैं डायलॉग एक बार रिपीट कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात मैं बता रहा था यार, उसी टाइम पे ऐसी तैसी होनी थी, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा था। ठीक है, फाइनली लाइव स्टार्ट करें यार, ये पता नहीं कल भी गया था आज भी गया नेट। ठीक है, अब लाइव है बेटा। ठीक है, चलिए अब लाइव है, नेटवर्क ठीक है, ये होता ही है नए बैच में, हमेशा होता है नेट पाते ही। ठीक है बेटा, अब लाइव, चलिए आइए वापसी करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा घर बैठे बैठे वर्ड को ना बोल के चलना है, घर बैठे बैठे वर्ड को बोल के चलना है, सिंपल नहीं उतार।
मैंने कहा ना, मैंने मुझे इस पीडीएफ को तैयार करने में 2 घंटे 15 मिनट लगे, और वो मेहनत आपको दिखेगी भी। जो स्लाइड आज हमें कंप्लीट करनी है, बहुत लंबी स्लाइड है, तो याद करते हुए ढंग से चलिएगा। ये देखो, ये सारी की सारी चीजें आज ये अभी बैठ के मैंने तैयार की है, और इसमें बेटा 2 घंटे 15 मिनट मेरे गए। 41 पेजेस की ये पीडीएफ है, 41 पेजेस की ये स्लाइड है, आप इसे देख भी पा रहे होगे, जिसे हमने टारगेट बना के अपना खत्म करके चल। आज की क्लास से आपकी कैपेसिटी चेक हो जाएगी, आप एक क्लास में कितने वर्ड याद करते हैं, वो चीजें मुझे एक बार आज पता चल जाएंगे। आज की क्लास से आपका रिदम पता चल जाएगा। अगर सारे बच्चे वापसी आ जाए, सारे बच्चे वापसी आ जाए, बफरिंग होगी ना, तो सब बैक करके वापस आ रहे होंगे, सारे के सारे स्टूडेंट वापस आ जाए एक बार, फिर माहौल दोबारा सेट करते हैं। आगे जाके वापसी आ गए, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चे कि जैसे एक बात को बड़ी सीरियस ले गया कि ये कसम खा के चलना है, ठीक है, ये कसम खा के चलना है आपको कि हाँ सर 100% हम सीरियसली पढ़ेंगे। जिस शिद्दत से आप हमें पढ़ाओगे, उस शिद्दत से हम रिविजन करेंगे। डेली आपको होमवर्क मिलेगा, आपको वोकैब की बुक है, आपको कंप्लीट खत्म करनी है, डेली आपको उसको अंडरलाइन करके पढ़ना है, सारे तरीके मैं आपको याद करा के दूंगा। डेली की डेली स्क्रीन आप रिवाइज करोगे, डेली क्लास को रिवाइज करोगे स्पीडोमीटर पे लगा के। मैंने आपको ये कहा था बेटा नेटवर्क वहां कट गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चे मैं मां कसम खा रहा हूं मुझे ये पीडीएफ तैयार करने में 2 घंटे 15 मिनट लगे हैं। आपको पता आपका गुरु खुद काम करता है, मुझे ये पीडीएफ 2 घंटे 15 मिनट में तैयार की है बेटा, मैं अपनी माँ के सर की कसम खा सकता हूँ। क्या आप अपने माँ के सर की कसम खा के ये कह सकते हैं कि हाँ सर जिस शिद्दत से हम आज पढ़ रहे हैं, इसी शिद्दत से हम इंग्लिश ही नहीं सारे सब्जेक्ट आने वाले अपने ये जितने भी दिन एग्जाम से पहले हैं हम पढ़ेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो खाइए, बैठिए और आज से ही घर पे पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं कोरे पन्ने पे लिख कर दे सकता हूं आपका सिलेक्शन हो। लेकिन बेटा क्या करती है जनता, 5 दिन 15 दिन 20 दिन सीरियस रहती है, उसके बाद उसकी वो चोचलेबाजी हट जाती है। होता ना पहली पहली क्लास में चीर देंगे फाड़ देंगे चलता है, लेकिन जैसे ही 15-20 दिन जाते हैं ना उसका हौसला टूटने लगता है। अब आपका हौसला मुझे चेक करना है, वो 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में नहीं, आज अभी भी बोलेगा, अभी भी कसम खा रहे हो, दिख रहा है मुझे कमेंट्स, दिख रहा है बाजी, मैंने फोन में भी लगाई हुई है, ऐसी भी लगाई हुई है, कमेंट्स दिख रही है मुझे। यहां जो 4,500+5,000 बच्चा पहुंचेगा ये कसम खा रहा है, लेकिन कसम भी मेरे बच्चे हर कोई खाता है, तो हौसला टूटने मत देना। मैं बोला ना हौसला टूटने मत देना, इतनी बड़ी पीडीएफ में इसलिए दिखा रहा हूं आपको, देख रहे हो 2 घंटे से पहले कैसे तैयार हो जाएगी, 2 घंटे 15 मिनट से पहले इतना तो टाइप भी नहीं कर पाओगे आप, कोई पीडीएफ में कोई गलती नहीं, कोई करेक्शन नहीं, देख रहे हो। तो इतनी लंबी पीडीएफ को तैयार करने में ये वक्त लगता है। मैं ऐसा क्यों एहसास करा रहा हूं आपको, ताकि आपको पता चले मेरे बच्चे पका पकाया नहीं खा रहे हो आप, बहुत मेहनत लगी मेरी भी, अब आपकी बारी। अब याद करने में मेहनत है, वर्ड को साथ साथ बोलोगे, साथ साथ बोल के चलोगे, साथ साथ समझते चलोगे, और डेली की डेली इसी क्लास को दोबारा पढ़ के रिवाइज करोगे। बुक में बुक ले लो, जिसके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले सेट से डेली बैठ जाओगे। जो आज खत्म करेंगे हम पहला सेट करेंगे, आज थोड़ा ज्यादा देर तक हम क्लास लेंगे, री अंडरलाइन कर करके आप डेली उससे रिवाइज करोगे साथ साथ क्लास चला के, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो जिनके पास बुक है बुक खोल के बैठ जाएं और दोबारा उसको रिवाइज करेंगे साथ साथ से, ठीक है। वीडियो लाइक एंड शेयर कर दी भाई, सब्सक्राइब करके रखना बेटा जो भी नहीं बच्चा। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला वर्ड है इम्बेलिश। इम्बेलिश करने का मतलब क्या होता है छोटू भाई? इम्बेलिश करने का मतलब होता है पाजी, जब आप किसी भी चीज को डेकोरेट करके अच्छा बनाएं, या किसी चीज में कुछ भी बेहतर करके उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस वर्ड को, इस रूम को, अपने स्टूडियो को मैं सोचता हूं इम्बेलिश कर दूं, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? डेकोरेट कर दूंगा। तो डेकोरेट करने के लिए इम्बेलिश वर्ड आप यूज करते हो, किसी भी चीज को बेहतर बनाना उसमें कुछ अच्छा ऐड करके उसको बोलते हैं। मैंने बोला आओ इम्बेलिश करते हैं अपने इस कमरे को, तो पहला वर्ड क्या है? जैसे ही मैं वर्ड लिखूंगा आप कमेंट्स में वर्ड लिखोगे ताकि आपको उसकी स्पेलिंग याद हो, पेपर में स्पेलिंग भी आएगी वर्ड भी आएगा, स्पेलिंग भी याद होगी, कमेंट्स में सीधा वर्ड आप टाइप करोगे। सबसे पहले इम्बेलिश वर्ड टाइप हो गया, अब कम से कम 5 बार उसको बोलो इम्बेलिश 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 इम्बेलिश। पहला वर्ड क्या मीनिंग हुआ ध्यान से सुनो, इसको सजाना, साज सजावट करना, बेहतर बनाना। आप हिंदी मीनिंग इसको ऐसे लिख लोगे, मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा आप लिखना, मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती बेटा, इसलिए मैं हिंदी ब्लैंक छोड़ता हूं, मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, मैं उसको ब्लैंक छोड़ देता हूं, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बेहतर बनाना, सजा साज सजावट करना, ठीक है, आप इसको लगते हैं सजाना, ये आप हिंदी लिख लेंगे। क्या लिखा है? टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग और डेकोरेशन टू इट। या तो उसमें कुछ ऐड करके उसको बेहतर बना दो, या उसमें कुछ डेकोरेशन ऐड करके उसको बेहतर बना दो, कुछ भी कह सकता हूं, या तो कुछ भी जोड़ के बेहतर बना दो या डेकोरेशन जोड़ के बेहतर बना दो। एक बार इंग्लिश मीनिंग पढ़ना मेरे साथ साथ घर बैठे बैठे, अभी अभी कसम खाइए भूल मत जाना, घर बैठे बैठे पढ़ना। बताओ, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटिफुल बाई एडिंग
समथिंग और डेकोरेशन टू इट, या तो उसमें डेकोरेशन या कुछ ऐड करके बेहतर बनाना। एग्जांपल देखो इस वर्ड का, एग्जांपल क्या लिखा हो पढ़ना जरा एग्जांपल। द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स एंड लीव्स, मतलब जो सीलिंग है उसको मैंने डेकोरेट कर दिया, फ्लावर्स लगा दिए। मैंने बोला ना चलो रूम को डेकोरेट करते हैं, तो रूम को एम्बेलिश करते हैं, ठीक है, फ्लावर्स से एम्बेलिश करते हैं, लीव्स से एम्बेलिश करते हैं, तो ये वर्ड आज आपको मिल गया। तो एम्बेलिश करने का मतलब हो गया क्या करना मेरे दोस्त, साज सजावट करना, साज सजावट करना। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इसमें क्या लिखा, ही कुड नॉट रेसिस्ट एम्बेलिशिंग द स्टोरी ऑफ हिज एक्सीडेंट अ लिटिल। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ हो जाता है आपके साथ, कुछ घटना घट जाती है, लेकिन आप उसे बिन मिर्च मसाले नहीं बताते। कहते यार मैं रोक नहीं पा रहा हूं, थोड़ा मिर्च मसाला लगा लूं अपनी स्टोरी में। मैंने बोला क्यों, क्या करेगा? कहते इससे ना इंटरेस्टिंग बन जाएगी स्टोरी। तो मैं अपनी स्टोरी को क्या कर रहा हूं, एम्बेलिश कर रहा हूं, थोड़ा सा मिर्च मसाला थोड़ा तो चलता ही है यार। होते ना कहते बॉल बॉल तेरा भाई बचा एक्सीडेंट से, बॉल बॉल, और बल्कि बहुत ज्यादा बचा था वो, लेकिन थोड़ा मिर्च मसाला बता के वो बता रहा है उस स्टोरी को। इसलिए लिखा ही कुड नॉट रेसिस्ट, वो रोक नहीं सकता था एम्बेलिशिंग द स्टोरी ऑफ हिज एक्सीडेंट अ लिटिल। थोड़ी सी उसने अपनी स्टोरी क्या कर दी, एम्बेलिश कर दी। तो यहां स्टोरी एम्बेलिश करने में क्या मीनिंग दे रहा है, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के चल लेना, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के चलना। चलो भाई साहब एक बार नीचे वाला एग्जाम्पल पढ़ना, ही कुड नॉट रेसिस्ट एम्बेलिशिंग द स्टोरी ऑफ हिज एक्सीडेंट अ लिटिल। मेरे बच्चे मैंने ये एग्जाम्पल 3 बार पढ़ा, मैंने एग्जाम्पल 2 बार पढ़ा, मैंने 2 बार मीनिंग पढ़ा, मैंने 5 बार वर्ड पढ़ा, तो तुम्हें थोड़ी ना मेरे को याद होगा वर्ड, तो मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अगर आपने मेरे साथ साथ आपने बोला नहीं सर आपके साथ साथ 5 बार हमने वर्ड बोला, 2 बार मीनिंग पढ़ा, 2 बार एग्जाम्पल पढ़ा, 2 बार ये चीज पढ़ा, जब आपने पूरा वर्ड ही हमें समझा दिया तो भाड़ में गई दुनियादारी, वो कैब कैसे याद नहीं होगी। तो पहला वर्ड याद हो गया एम्बेलिश। अब बेटा इसके सिनोनिम्स पे टूट पड़ो। अब जैसे ही आप बुक देखोगे तो बुक में इसके सिनोनिम नजर आएंगे आपको। अब इसके सिनोनिम्स पे टूट पड़ो, आ गया हूं जी सिनोनिम्स। अब इसके सिनोनिम्स है डेकोरेट करना, एनहांस करना, गार्निश करना, एम्पलीफाई करना, डेक करना, अडोन करना, ऑर्नामेंट करना, ठीक है, कैप्रिजन करना। लेकिन एक बात बताओ, अब इनके भी मतलब थोड़ा ना पता है, तो इनमें से वो सिनोनिम्स जिनको आपको जानना चाहिए अलग से। अब बच्चे बच्चे को, भाई साहब हर बच्चे को पता है डेकोरेट का मीनिंग। ये देखो हमारे यहां से एक बिन चड्डी बच्चा जा रहा है, ओए डेकोरेट का मीनिंग क्या होता है, सजाना कह रहा है। देखो भाई साहब बता, बच्चा चड्डी नहीं पहनता, डेकोरेट का मीनिंग पता है। सो डेकोरेट का मतलब है सजाना, तो मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहला हमारा वर्ड हो गया ये। चलो देखो आज का पहला वर्ड क्या हुआ, एम्बेलिश करना। दूसरा वर्ड क्या हुआ, डेकोरेट करना। इजी है, डेकोरेट की भी स्पेलिंग लिख लेना। अगला वर्ड क्या है इसका सिनोनिम, सिनोनिम क्या है इसका, एनहांस करना। अब मुझे पता था आप एनहांस में फंसेंगे, तो मैंने इसको अलग से एक्सप्लेन कर दिया। बेटा एनहांस अपने आप में एक वर्ब होती है। अब अगला वर्ड क्या पढ़ोगे आप, इनहांस करना, और कमेंट में क्या लिखोगे, इनहांस करना, कमेंट में लिखो इनहांस करना। सो इनहांस करने का मतलब क्या निकल के आया आपको, किसी भी चीज को क्या करना है, बेहतर बनाना है, किसी भी चीज को क्या करना है, बेहतर बनाना है। वेरी गुड। सो टू इंप्रूव द क्वालिटी अमाउंट स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज की क्वालिटी अमाउंट स्ट्रेंथ क्या करना, इंप्रूव करना। तो यार ये भी तो अपने आप में बन गया ना, एम्बेलिश करने से, इनहांस करना। नेक्स्ट लीजिएगा, जरा एग्जांपल पढ़ो, कहता है दीज कैंडल्स विल नॉट एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन्स रेपुटेशन। एक बात बताओ, अगर कुछ बुरा हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो रहा है, उन पर कोई ब्लेम लगाया जा रहा है, कहता है ये चीजें हमारी जो गुडविल है, हमारी जो रेपुटेशन है, उसको एनहांस नहीं करेंगी, उल्टा खराब कर देंगी। तो इसलिए बोला विल नॉट एनहांस, क्योंकि स्कैंडल्स तो एक नेगेटिव की तरफ यूज किया जाने वाला शब्द है। मैंने बोला कुछ ऐसी घटना हुई जो आपकी कंपनी की गुडविल को क्या कर रही है, खराब कर रही है, तो ऐसी घटनाएं आपकी कंपनी की जो गुडविल है उसको एनहांस नहीं करेंगी, बेहतर नहीं बनाएंगी, उल्टा खराब कर देंगी। एक बात बताओ बेटा, मॉडल के बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब एनहांस की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या बनी, वर्ब बन गई। ठीक है, अब चलो अब आपकी बारी, अब आपकी बारी। तो वर्ड क्या था, एनहांस करना, क्या बोलोगे, एनहांस। एक बार मीनिंग पढ़ो इसका, टू इंप्रूव द क्वालिटी अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग। एक बार एग्जांपल पढ़ दो आप लोग मेरे साथ साथ, पढ़ो दीज कैंडल्स विल नॉट एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन्स रेपुटेशन। दूसरा वर्ड हुआ बेटा एनहांस। अब तीसरा वर्ड हमारे पास सिनोनिम क्या आ गया, चौथा, टेक्निकली चौथा वर्ड आज का क्या बना, गार्निश। गार्निश करना भी क्या होता है, आ जाओ जी पाजी, गार्निश का मतलब भी होता है बेटा टू डेकोरेट करना फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड। आप जानते हैं जब भी खाना बनाते हैं, ठीक है, अगला वर्ड आप क्या टाइप कर लोगे, गार्निश। अगला वर्ड क्या टाइप कर लोगे पाजी, गार्निश। गार्निश करने का मतलब है साज सजावट से ही रिलेटेड।
आप किसी भी डिश को गार्निश करते हो, अगर उसको आप गार्निश नहीं करोगे बेहतर अच्छी लगेगी नहीं। सो गार्निश करने का मतलब है फूड आइटम हो या किसी भी चीज को आप कुछ ऐड करके आप क्या बना रहे हो, उसे साज सजावट कर रहे हैं ना, अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर ये शब्द किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, खाने के लिए, इसलिए मैंने लिख दिया। अब पढ़ो मेरे साथ साथ, हेलो भाई साहब पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है? गार्निश टू डेकोरेट फूड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट फूड। अलग अलग खाने से आपने उसको क्या कर दिया, गार्निश। एग्जाम्पल पढ़ो, गार्निश द डिश विद समथिंग। मैंने बोला एक काम करो, डिश अच्छी नहीं लग रही, हाँ भले ही टेस्ट अच्छा, दिखनी भी तो अच्छी चाहिए, दिखनी भी तो अच्छी चाहिए। महंगी, अब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिश को गार्निश कर देते हैं। एक समोसा बाहर 10 रुपए का है, एक समोसा वहां पता चला 100 रुपए का है, उसी को थोड़ा सा गार्निश कर दिया, खरीद के वो भी बाहर से लाए थे, वो हमने महंगा ले लिया। तो गार्निश हमेशा क्या है, साज सजावट कर लेगा। सो गार्निश दिस डिश विद समथिंग, इस डिश को गार्निश करके लाओ किसी चीज के साथ। तो भाई साहब इजी वर्ड हो गया। चलो बेटा पांचवें वर्ड पे आते हैं, क्या, एम्पलीफाई। अब मैंने क्या किया, अगली स्लाइड में बेटा एम्पलीफाई को भी एक्सप्लेन कर दिया। एम्पलीफाई का भी मतलब होता है, जैसे आप बोलते हैं ना एम्पलीफायर, आपने गाना सुना होगा, एम्पलीफाई करना किसी साउंड को, किसी भी साउंड को आप देखते हैं उसको और बेहतर बना देना, उसको और उभार के लाना, ठीक है, तो रिलेट कर रहा ना, इनहांस से रिलेट कर रहा है, उसको और बेहतर बना देना, उसके लिए वर्ड एम्पलीफाई यूज किया जाता है, इसलिए ये भी बन गया उसका सिनोनिम। क्या मीनिंग आया, पढ़ दो छोटू मेरे साथ साथ पढ़ो, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड और मेक लाउडर। उस चीज को क्या बना दिया आपने, लाउडर बना दिया, या टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड। एग्जाम्पल पढ़ो, लिखा है इलेक्ट्रिक जो गिटार्स होते हैं आर एम्पलीफाइड थ्रू लाउड स्पीकर। एक बात बताओ, मैं गिटार यहां बजा रहा हूं तो क्या किया जाता है, एक वायर लगा दी जाता है स्पीकर में जिससे कि वो पूरी जनता को सुनाई दे। सो गिटार्स को क्या किया जाता है, एम्पलीफाइड किया जाता है। इसका मतलब बेटा ये क्या हुआ, पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में एज अ क्या हुई, वर्ब हुई। चलो एक बार वर्ड को पढ़ दो, क्या लिखा हुआ है, एम्पलीफाई, बोलना है घर बैठे बैठे, ठीक है, क्या लिखा है आगे, मीनिंग पढ़ना, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड और मेक लाउडर। एग्जाम्पल पढ़ना, इलेक्ट्रिक गिटार्स आर एम्पलीफाइड थ्रू लाउड स्पीकर्स। और देखो दूसरा, देखो, टू एम्पलीफाई इज ऑल्सो टू एड टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ छोटू भाई, एम्पलीफाई का मतलब एक और होता है बेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन में कुछ जोड़ देना जिससे कि वो इंफॉर्मेशन और क्लियर हो जाए, ठीक है, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और साफ सुथरी हो जाए। तो खाली जब इंफॉर्मेशन मैंने सुनाई तो आपको समझ नहीं आई, मैंने उसको एम्पलीफाई कर दिया, उसमें और कुछ ऐड कर दिया। सो देखो दिस स्टडी, अब जो ये स्टडी हुई है एम्पलीफाइज, ऐड करती है अर्लियर रिसर्च को, मतलब जो पहले रिसर्च हुई थी उसमें कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करती है। तो एक बात बताओ बेटा, फिर से पढ़ दो एक बार एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है, दिस स्टडी एम्पलीफाइज अर्लियर रिसर्च। तो छोटू भाई अगला वर्ड हमारे पास हो गया एम्पलीफाई। अब अगला वर्ड है बेटा हमारे पास डेक। अगला इसका सिनोनिम क्या है, बेहतर बनाने का सिनोनिम, साज सजावट का सिनोनिम क्या है, डेक। अब आप बोलोगे सर डेक तो हमने ये देखा, जो बसेस देखे हैं आपने, डबल डेकर बस है, देखते हो ना, तो एक बस है उसके ऊपर एक और आप हिस्सा जुड़ा हुआ देखते हो, बॉम्बे में ज्यादातर ये चलती हैं बसेस, आपने देखी होगी, तो आप उसके लिए डेक शब्द यूज करते हो। लेकिन बेटा डेक का मतलब यहां पर ये नहीं है जो आप सोच रहे हो, यहां डेक का मतलब होता है कुछ ऐड करना, तो क्यों ना उस बस से याद कर ले, डबल डेकर बस है। सो डेक उसमें जुड़ा होता है, डेक का एक वो भी मीनिंग होता है एज अ नाउन, लेकिन यहां डेक एज अ वर्ब यूज करोगे बेटा, डेक का मतलब है डेकोरेट करना, डेकोरेट डेक, डेकोरेट डेक, तो यहीं से नहीं चुरा लोगे, डेकोरेट डेक है ना, तो डेक डेकोरेट अपने आप याद रह जाएगा। आ जाओ पढ़ो एक बार एग्जांपल मेरे साथ साथ, पढ़ना जरा, गूंगे बन के मत बैठना, पढ़ना, अरे बोल, गुटका थूक दो, गुटका थूक दो, गुटका थूक दिया, अब थूक के बोलो। देखो, टू डेकोरेट और एड समथिंग टू मेक एन इफेक्ट, मतलब कुछ ऐड करना, कुछ किसी चीज में कुछ ऐड करना, इसका मतलब ये लिखा बेटा, टू डेकोरेट और एड समथिंग टू समथिंग। ये मत सोच रहा सर ने गलत बना दिया सेंटेंस, समथिंग टू समथिंग नहीं, ठीक है, कुछ ऐड करना किसी चीज में, सो ऐड समथिंग टू मेक एन इफेक्ट, कुछ इफेक्ट लाने के लिए डेक कहता है। द रूम वॉज डेक्ड विद फ्लावर्स, सो इसी को बोल सकते थे ना, वॉज एम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स, विद डेक विद फ्लावर्स, आसान हो गया आपके लिए, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो बेटा, जो भी जुड़ता रहे लाइक एंड शेयर जरूर करते चलना प्लीज। अगला क्या लिखा है, एडोन। बेटा एडोन को कैसे याद रखोगे, एडोन एड, इसीलिए मैंने ये शब्द लिख दिया, डेक डेकोरेशन, एडोन करना ऐड करना, सो एडोन करना ऐड करना, टू ऐड समथिंग डेकोरेटिव टू अ पर्सन और थिंग,
किसी इंसान या किसी चीज में एडोन करना मतलब ऐड करना. सो क्या बना, द ब्राइड्स हेयर वॉज एडोन विद व्हाइट फ्लावर्स. ठीक है, तो आपने क्या देखा, जो दुल्हन थी उसके जो हेयर थे वो व्हाइट फ्लावर से क्या कर दिए, साथ सजावट कर दी. ठीक है जी, व्हाइट फ्लावर से क्या कर दी, साथ सजावट कर दी. तो आप इसको कह सकते हो, आगे जब तुम्हारी भी शादी होगी तो आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, आप अपनी ठीक है वाइफ से पूछ भी सकते हैं, एक बात बताओ, हाँ तुमने व्हाइट फ्लावर लगाए बालों में, उसने बोला हाँ बताओ इसकी इंग्लिश क्या होती है, वो कहती मेरे को तो नहीं पता, कहता बस नहीं लिया ना जयदीप सर का बैच, वही काम है भाई साहब. इसलिए ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है पाजी. तो हमने एड ऑन अगला वर्ड पढ़ लिया, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे डैग पढ़ा तो अगला वर्ड हमारे पास क्या आ गया, एड ऑन. इजी है, अगला सिनोनिम याद हुआ. अब बेटा ऑर्नामेंट है अगला. अब मैंने क्या किया, एड ऑन के बाद ऑर्नामेंट एक्सप्लेन कर लिया, अब अगला वर्ड ऑर्नामेंट है. ऑर्नामेंट अब क्या देखते हो, डेकोरेशन ऑर्नामेंटेशन तो आपको पता ही है, ऑर्नामेंट्स आपको पता है. सो ऑर्नामेंट अपने आप में क्या बनता है, डेकोरेशन दैट इज एडेड टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ समथिंग. ठीक है, होता तो है ना, यही होता है, शादी हुई, शादी होती तुम खुश हो गए, अगले दिन बोला बहन जी कौन है आप, कहते मैं तो धर्मपत्नी, कहता कल तो कुछ और था. इंडिया में मैंने हमेशा नहीं बोलता, इंडिया में सबसे बड़ा पता है क्या टारगेट होता है, शादियों में शादियां तय होती हैं, इसलिए लोग सरप्राइज होते हैं, शादी में तो सब बन ठन के गए थे, शादियों में शादियां तय होती हैं, समझना कवि क्या कहना चाहते हैं. जब शादियों में शादियां तय होंगी तो लड़का भी बन ठन के गया, लड़की भी बन ठन के गई है. ठीक है, फिर बाद में जब रिश्ते पक्के हो जाते हैं बाद में पता चलता है भाई साहब, है कि नहीं. चलिए, तो भाई साहब इसलिए हमेशा याद रखना, साथ सजावट में सिंपल रहें, सादगी भरा जीवन अच्छा है. सो हमने बोला ऑर्नामेंट होता है डेकोरेशन दैट इज नीडेड टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ समथिंग. सो द बिल्डिंग रिलीजेस ऑन क्लेवर डिजाइन रादर देन वन ऑर्नामेंट फॉर इट्स इंप्रेसिव इफेक्ट. कहते हैं सिंपल डिजाइन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उसको डिजाइन किया गया है. ठीक है, रादर देन कि आप उसको साथ सजावट कर दो, ऑर्नामेंट कर दो उसकी वजह. सो ऑर्नामेंट भी इससे रिलेट कर लिया जाएगा. अच्छा देखो भाई साहब, अगला वर्ड हमारे पास क्या आ गया बेटा, एट्थ ऑर्नामेंट. अब अगला वर्ड हमारे पास क्या बचा है, नाइन्थ वाला हमारे पास बचा है कैपरिजन. अब कैपरिजन का मतलब क्या होता है, आ जाओ छोटे बेटा, ये रहा अगला वर्ड कैपरिजन. कैपरिजन नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, कैपरिजन वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है. सो कैपरिजन का भी मतलब होता है अ डेकोरेटिव कवरिंग फॉर अ हॉर्स. मतलब घोड़े को सजा दिया जाता है ना, घोड़े को सजा दिया जाता है, डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर बिछा दिया जाता है बेटा, उसको कैपरिजन बोलते हैं, अ डेकोरेटिव कवरिंग जो होती है घोड़े के लिए. दूसरा, इसको आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो. कैसे, अगर आप उस घोड़े को डेकोरेट कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है कैपरिजन. अब कैपरिजन एज अ नाउन क्या है कि भाई डेकोरेटिव कवरिंग कर रहे हो घोड़े की. हाँ, अगर उसको करने के लिए आप जा रहे हो एज अ वर्ब, एज अ नाउन आप इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं. इसलिए लिख दिया बेटा मैंने टू प्रोवाइड विद और एज इफ विद अ रिच ऑर्नामेंटल कवरिंग. आप किसी चीज को कवर कर रहे हो ऑर्नामेंटल कवरिंग, गहने पहना रहे हो, कुछ साज सजावट कर रहे हो, कुछ गोल्डन कलर का कुछ पहना रहे हो, उसके लिए कैपरिजन शब्द यूज होता है दो तरीके से. ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ये वैसे भी आता है बेटा. चलिए अब इसके क्या आ गए, एंटोनिम्स. लेकिन बेटा इसके एंटोनिम्स करने से पहले क्यों ना हम एक काम करें, एक बार इसका रिविजन मार दें. क्या रिवीजन, देखो अब हम यहां से करेंगे, इसलिए मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया आपकी पीडीएफ. पहला वर्ड क्या था बेटा, मेरे साथ साथ बोलो, वर्ड क्या था, एम्बेलिश, याद हो गया. अब एम्बेलिश के सिनोनिम बोलो मेरे साथ साथ, क्या है, डेकोरेट, एनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, अडोन, ऑर्नामेंट, कैपरिजन. कितने वर्ड, नो वर्ड याद हो गए. अब जितना दम है तुम लगा लो, इन्हें भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के बाद चीजें भूलना इम्पॉसिबल हो जाएगा बेटा आपके लिए. जितना दम है तुम लगा लो, कैसे भूल जाओगे नौ शब्द. डन है, एक बार और रिवाइज हो जाए तो, एक बार और रिवाइज. वर्ड पढ़ना क्या था, एम्बेलिश. बेटा इसके सिनोनिम से बोलो मेरे साथ साथ, डेकोरेट, एनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, अडोन, ऑर्नामेंट, कैपरिजन. नौ वर्ड याद. अब बहुत होगी साथ सजावट, अब मामला बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते हैं तो आ जाओ इसके एंटोनिम्स पे. ये रहे इसके एंटोनिम्स भाई. सबसे पहला होता है डिफेस कर दो किसी चीज को, मतलब अब आपको डैमेज करना है, स्पॉइल करना है, बर्बाद करना है, नष्ट करना है. अब तो बहुत होगी साथ सजावट, अब सब कुछ बिगाड़ दो, नष्ट कर दो. ठीक है, आप उसको क्या कर दो, डैमेज कर दो, स्पॉइल कर दो, वेस्ट कर दो, अब नाश करना है आपने. ठीक है, सो पहला वर्ड आपके पास आ गया डिफेस, इसका एंटोनिम. और आज का हमारा ये हो गया बेटा टेंथ वर्ड, है ना, दसवां वर्ड बन गया डिफेस करना, टू डैमेज. अब देखो फेस, उसको डिफेस कर दो,
फेस अच्छा बना रहा है, एक फेस हो गया अच्छा, डिफेस कर दो, खत्म करो उसको। तो डिफेस करने का मतलब है यहां डी प्लस फेस से ये बना हुआ है, आपके लिए ऑटोमेटिकली हिंट तैयार हो गया बेटा। सो टू डैमेज एंड स्पॉइल द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की अपीयरेंस, आपने फेस को डिफेस कर दिया, फेस को डिफेस कर दिया, सो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। कुछ आपने उस पर ड्रॉइंग कर दी, कुछ गंदा कर दिया, उसको रायता फैला दिया, होता है ना, कुछ पिक्चर थी आपने भद्दा बना दिया, बच्चे कलाकारी करते हैं भाई साहब, चौक उठाया लिख दिया दीवारों पे, ठीक है, ये चीज यहां। तो डिफेस करना ऐसा होता है एज अ वर्ब, कैसे बेटा, देखो ही वॉज फाइन, उस पर फाइन लगा दिया गया फॉर डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स को उसने डिफेस कर दिया, मतलब भद्दा बना दिया, उसके ऊपर कुछ लिख दिया होगा, ठीक है, तो उसको कुछ करने ना, ऐसा होता है फेस, तो फेस को क्या कर दिया, डिफेस कर दिया, ये रूट है बेटा, इसमें याद रखना, ये डी हमेशा नेगेटिव मीनिंग देगा, फेस को डिफेस कर दिया, ठीक है, पहली बात ये रहेगी। तो ये वर्ड आपके पास दिमाग में आराम से बैठ गया, क्या है बेटा, डिफेस, पढ़ो, ही वॉज फाइन फॉर डिफेसिंग लाइब्रेरी बुक्स। आगे बढ़ते हैं, अब बेटा अगला वर्ड आ गया हमारे पास ब्लेमिश, इलेवेंथ ब्लेमिश, अगला वर्ड मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया, ब्लेमिश। अब देखो, टू स्पॉइल समथिंग, सो ब्लेमिश करने का भी, ब्लेम कर रहे हो ना, जैसे किसी पर ब्लेम कर रहे हो तो उसको भद्दा कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ठीक है, तो ब्लेमिश करने का भी मतलब होता है बेटा किसी भी चीज को क्या कर देना, स्पॉइल करना, किसी भी चीज को क्या कर देना, स्पॉइल करना, उसके लिए ब्लेमिश होता है। तो क्या लिखा है, टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज को बर्बाद कर देना। सो दिस लेटेस्ट रेवलेशन हैज सीरियसली ब्लेमिश्ड The governor's reputation. अब देखो, उस गवर्नर की रेपुटेशन को इस चीज ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। अभी अभी मैंने बोला था ना, कंपनी की इमेज ने, इमेज को उसने बर्बाद कर दिया। तो बेटा ब्लेमिश कर देना, ब्लेम से याद रखना, ब्लेमिश कर देना, बर्बाद कर देना, उस चीज को कुछ बेहतर नहीं बना रहे हो, खत्म कर रहे हो। दो अगला वर्ड हुआ, अगला वर्ड है मेरे बच्चे बारहवां, स्पॉइल करना। एक बात बताओ, अरे सर आपने तो स्पॉइल एक्सप्लेन ही नहीं किया। मैंने बोला तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, हर बच्चे को पता है स्पॉइल। देखो फिर से वही बिन चड्डी वाला बच्चा, हेलो स्पॉइल का मतलब क्या होता है, कहता खराब करना, उसको भी पता है और तुम तो चड्डी वाली उम्र में बताई हुई, तो स्पॉइल सबको पता है, इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया, जरूरत नहीं है भाई साहब। तो अगला वर्ड हमारा हो गया स्पॉइल, सबको पता है, पता है कि नहीं पता, इतनी गई गुजरी तो वो कैब नहीं होगी, सबको पता है। अगला वर्ड क्या टाइप करोगे, स्पॉइल। स्पॉइल के बाद अगला आ रहे हैं बेटा हम बिलिटिल, बेलिटिल बोल देते हैं इसको। देखो बेलिटिल कैसे याद रहेगा, ध्यान से सुनो, इसको ना ऐसे याद रखना है बेटा, मैंने इसको एक्सप्लेन किया, इसको बेलिटिल को आप देखो एक्सप्लेन किया, तो यहां पर आ जाओ, बेलिटिल यहां एक्सप्लेन किया है, इसको याद रखो बेटा, बी होता है होना, लिटिल होता है ना के बराबर, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ऐसे हिंट बना लो, लिटिल याद करो, लिटिल याद करो, ग्रामर में क्या होता है, ना के बराबर, लिटिल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट, लिटिल मनी, ना के बराबर पैसा, सो बी लिटिल, ना के बराबर बना दो उसे, बेलिटिल ना के बराबर बना दो उसे। सो ना के बराबर बना दोगे तो इसका मतलब उस चीज को आप डेकोरेट नहीं कर रहे हो, खत्म ही कर रहे हो, नष्ट ही कर रहे हो। बेलिटिल अपने आप याद रहेगा, टू मेक अ पर्सन और एन एक्शन सीम एज इफ ही और शी और इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, किसी भी एक्शन को, किसी भी इंसान को, किसी भी काम को, किसी भी एफर्ट्स को ऐसा दिखाना, बे ये तो कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। अब कई बार दोस्त मजाक नहीं करते, कहता बॉडी बना ली तूने, हाँ जिम जा रहा, हाँ कहता भाई सब दिखाई, और वो यू कर रहा, कथन कहता हाँ हाँ, कहता टाइट तो कर, और उसने बेचारे ने टाइट कर रखी है, तुम कहता क्या कर, टाइट कर थोड़ी, और बेचारा यू लाल मुंह हो गया उसको पूरा, यू कहता अब कहता मजा ही नहीं आ रहा। तो आप बेटा बेलिटिल कर रहे हो, बेलिटिल का मतलब है किसी के एफर्ट्स को, किसी इंसान को, किसी भी चीज को, ठीक है, आप ऐसा दिखा रहे हो, कहता कुछ फर्क ही नहीं नजर आ रहा। अब वो बेचारा परेशान है, उसका और हौसला तोड़ दिया, अब वो अगले दिन जिम नहीं जा रहा है, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, बेचारे को कुछ हो ही नहीं रहा। तो इसको बोलते हैं बेटा बेलिटिल करना, ऐसा दिखा देना किसी एक्शन को, इंसान को, ठीक है, ठीक है, किसी भी लड़के को, लड़की को, काम को, एफर्ट्स को, नॉट इंपॉर्टेंट, मजा ही नहीं है, ऐसा होता है। तो इसके लिए आप क्या बोलते हो, देखो दो, दो का मतलब होता है हालांकि, शी हैड स्पेंट आवर्स फिक्सिंग द कंप्यूटर, घंटों लगा दी उसने कंप्यूटर को ठीक करने में, ही बेलिटिल हर एफर्ट्स, और उसने बोला बे नहीं बेटा, ये है बेलिटिल। सो बी लिटिल, किसी भी चीज को अब उसको आप बता रहे थे बेहतर बना रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, एम्बेलिश कर रहे थे, ठीक है, एम्पलीफाई कर रहे थे, यहां खत्म, वर्ड याद हुआ। तो ये वर्ड बना मेरे बच्चे हमारा 13 नंबर। 14 देखो बेटा, एक बात बताओ, अंडरस्टेट। अब अगला वर्ड मैंने क्या एक्सप्लेन किया, अंडरस्टेट। अब टाइप क्या करोगे आप, अंडरस्टेट, फटाक से मेरे को टाइपिंग में दिख जाए भाई साहब, कमेंट्स में दिख जाए,
अच्छा अंडरस्टेट का मतलब क्या हो गया, अंडर ऊपर नहीं भाई साहब, अंडर नीचे, अंडर स्टेट, इसका मतलब इसमें रूट छिपा हुआ है मेरे बच्चे, जो रूट होगा ना रूट से कराऊंगा मैं, अंडर प्लस स्टेट, किसी भी चीज को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, तभी तो बोलते भाई एस्टिमेट कर रहे हो, ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट ऐसे देखते हो ना, सो याद रखना आप अंडर स्टेट कर रहे हो, उस चीज को आप कम आंक रहे हो, आप उस चीज को कहते हो नहीं यार ये ठीक है नहीं इंपोर्टेंट नहीं है, अंडर स्टेट करना मतलब उतनी इंपोर्टेंस नहीं है, तो इसी का सिनोनिम कह दे हाँ, तो इसको देख लो एक और सिनोनिम याद हो गया आपको, अंडर स्टेट करना, तो क्या है बेटा आ जाओ एग्जाम्पल देखो, मतलब पहले इसका मीनिंग देखो, टू डिस्क्राइब समथिंग इन अ वे दैट मेक्स इट सीम लेस इंपॉर्टेंट लेस सीरियस, ठीक है कि इतना बढ़िया नहीं, उसको क्या कर दिया आपने बैड दिखा बुरा है, देन इट रियली इज, मतलब जितना वो बुरा है नहीं उससे ज्यादा बुरा तुम दिखा रहे हो, उतने वो एफर्ट गंदे थे नहीं उसको गंदा तुम दिखा रहे हो, इसका मतलब जो जितनी वर्थ रखता है उससे नीचे की वर्थ उसको दिखा रहे हो, अंडर स्टेट कर रहे हो, जैसे आप अंडर एस्टिमेट पढ़ते हो बेटा, उसके लिए वर्ड हो गया। एक बात बताओ इसका एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा है, शी बिलीव्स द रिसर्च अंडर स्टेट्स द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वुमेन सफर, कहता है उसके ये कहना है कि जो रिसर्च हुई है वो कहीं ना कहीं कम आंक रही है इन चीजों को, तो कम आंकना अंडरस्टेट करना आप उस वर्ड को लेकर चल सकते हो, तो आसान हो गया भाई साहब अगला वर्ड भी, अंडरस्टेट आपके लिए वर्ड बन गया पाजी, बहुत ही आसान चीज हो गई। आगे पढ़ते हैं तो हमारे पास ये हो गया बेटा, तो क्या हो गया 14 वर्ड खत्म भाई, एंटोनिम्स भी खत्म, अब हम अगले पड़ाव पे आएंगे, तो अगले पड़ाव पे जाना, आज पहली पहली क्लास है, थोड़ा रिविजन भी बनता है, एक बार पहले एक बार सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सब एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, तैयार हो, थूक दिया गुटका पढ़ लोगे, आ जाओ पाजी बोलो एक बार, पहला वर्ड क्या है एम्बेलिश, एम्बेलिश का सिनोनिम बोलो, डेकोरेट एनहांस गार्निश एम्पलीफाई डेक अडोन ऑर्नामेंट कैपरिज्म, हो गया आई, अब इसके एंटोनिम्स बोलो, एंटोनिम्स पे आ जाओ, एंटोनिम्स बोलो डिफेस ब्लेमिश स्पॉइल बेलिटल अंडरस्टेट, जकास जिंदगी 14 वर्ड याद, आगे बेटा याद करने में मेहनत लगती है भाई साहब, और ये आपको वैसे ही तैयार हो गया इतना मैटर। अब आ गया जी अगला पढ़ाओ नेक्स्ट स्टेप, अब उठा रहे हम प्रोडिगल, प्रोडिगल, अब प्रोडिगल क्या है, तेरा भाई मस्त पैसा उड़ाएगा, मस्त खर्चा करेगा, बिन सोचे समझे स्पेंडिंग करेगा, बिन सोचे समझे रिसोर्सेज यूज करेगा, अब सारी पैसा बर्बाद वर्ड, ठीक है अब इनको पढ़ेंगे, इनके सिनोनिम्स को जानेंगे, इनके एंटोनिम्स को जानेंगे, 14 वर्ड के बाद हमारे पास है ये 15 नंबर वर्ड आज का बेटा। देखो प्रोडिगल का मतलब क्या हुआ, प्रोडिगल का मतलब स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेज फ्रीली रेकलेसली और वेस्टफुल, मतलब रेकलेस होता है बेटा बिन सोचे समझे, रेकलेस ड्राइविंग नहीं बोलते आप, बिन सोचे समझे पैसा उड़ा रहा है तेरा भाई, कोई चिंता नहीं है तेरे भाई को, तो ऐसे बंदे को आप प्रोडिगल एक तरीके से कह सकते हो कि ये बंदा प्रोडिगल पर्सन है, कहता मेरा जो लैंडलॉर्ड है ना भाई प्रोडिगल है, खुल के खर्चा करता बिन सोचे समझे खर्चा करता, प्रोडिगल बोल दिया जाता है, याद रहेगा वर्ड, तो आ जाओ बेटा एग्जांपल पढ़ो एक बार, एग्जांपल पढ़ो क्या लिखा है, द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड, बेटा लैंडलॉर्ड क्या हुआ नाउन, नाउन से पहले प्रोडिगल क्या हुआ एडजेक्टिव, इसलिए इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ यहां एडजेक्टिव, देखो द प्रोडिगल लैंडलॉर्ड स्पेंड्स द मनी एज फास्ट एज ही रिसीव्स इट, जैसे पैसा आता है खर्च कर देता है, तो क्या हो गया प्रोडिगल लैंडलॉर्ड हो गया, वेरी गुड वर्ड, टाइप करते ना सदना साथ साथ बोलते चलना, ठीक है बोलते चलना, सुबह 9:30 से पढ़ा रहा हूं मैं लगातार, अगर मुझ जैसे बुढ़े आदमी पे अभी तक जान हो सकती है, तुम लोग तो जवान हो भाई साहब, पूरी जान है तुम में तो, है कि नहीं, आइए देखो तो अगला एग्जाम्पल, ही हु वॉज फॉर्मली अ प्रोडिगल, मतलब एक आदमी जो पहले खर्चीला हुआ करता था, बेटा आर्टिकल के बाद क्या आया नाउन, इसका मतलब ये कैसे यूज हो सकता है नाउन, ये कैसे यूज हो सकता है एडजेक्टिव, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है छोटे, आगे शॉड हिमसेल्फ सडनली वाइज, कहता है एक बंदा जो खर्चीला हुआ करता था, ठीक है ऐसी स्पेंड करता था पैसा, आज वो समझदार बनने की एक्टिंग कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है तो प्रोडिगल याद हो गया, अगले वर्ड पे आ जाते हैं बेटा, अब इसके सिनोनिम को लूट लो, पहला है बेटा प्रोफ्लिगेट, तो आज का ये 16 नंबर वाला वर्ड हुआ, ठीक है 15 तो ये था हमारा, 16 नंबर वाला प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट आ जाओ पकड़ लो भाई साहब, ये थोड़ी ना पता होगा बेटा आपको, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, प्रोफ्लिगेट करने का मतलब होता है बेटा स्पेंडिंग मनी और यूजिंग समथिंग इन अ वे दैट वेस्ट इट एंड इज नॉट वाइज, समझदारी नहीं है, खामखा चीजों को यूज कर रहे हो, जैसा मन करे आप खर्च कर रहे हो बिन सोचे समझे, समझदारी तो नहीं है बेटा, ये बेवकूफपना है, प्रोफ्लिगेट बोलते हैं उसको, क्या करना प्रोफ्लिगेट करना,
प्रोफ्लीगेट करना। अब चलो एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, शी इज वेल नोन, वो जानी जाती है फॉर हर प्रोफ्लीगेट स्पेंडिंग हैबिट्स। सो कैसे है उसकी प्रोफ्लीगेट स्पेंडिंग हैबिट्स है। सो कैसे स्पेंडिंग हैबिट्स है, प्रोफ्लीगेट है, तो बेटा ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। सो बिना सोचे समझे वो क्या करती है, खर्च करती है, बिना सोचे समझे क्या करती है, खर्च करती है। भाई हम तो समझदार लोग हैं, समझदार लोग क्या करते हैं बेटा, गर्मियों में ठंड के कपड़े लेते हैं, ठीक है, ठंड में गर्मियों के कपड़े जो पिछले साल लिए थे वो इस साल पहन डालेंगे, ये होती है समझदारी। खर्चीला आदमी डिस्काउंट नहीं देखता, दुकान पे जाएगा सीधा खर्च डालेगा, ठीक है, उसको हमने बोल दिया। सो प्रोफ्लीगेट का मतलब ये हो जाता है बेटा, आसान हो गया प्रोफ्लीगेट। अगला वर्ड क्या है, लेविश। अब कई बच्चों ने ये वर्ड भी सुना होगा लेकिन मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत लगी, मैंने कर दिया बेटा। देखो लेविश किसी भी चीज को लार्ज इन क्वांटिटी या एक्सपेंसिव इंप्रेसिव कर देना, मतलब किसी भी चीज को बड़ा ही खर्चीला, जैसे मैंने बोला यार उसने गिफ्ट दिया, लेविश गिफ्ट था, लेविश गिफ्ट था, तो लेविश गिफ्ट हुआ, लेविश, ठीक है, प्रोमिसेस हुए, लेविश प्रेज करना हो गया, लेविश स्पेंडिंग हो गई। अच्छा लेविश प्रेज करना मतलब दिल खोल के तारीफ कर, बहुत ज्यादा अमाउंट में होना, उसको लेविश बोलते हैं बेटा। लेविश प्रेज, लेविश प्रोमिसेस होता है ना, पहले पहले प्यार में मैं तेरे लिए चांद तोड़ दूंगा, तारे ले आऊंगा, उसने बोला सीजीएल निकाल ले, कहता ये तो ना निकलेगा समझ रहे हो। सो लेविश प्रोमिसेस का मतलब हो गया बेटा बड़े लंबे लंबे फेंक रहा था, लड़की ने दिमाग लगाया, कहते सीजीएल निकाल लेना, घर वाले मान जाएंगे। हमारे लौंडे मस्त है, कहते सर मैं सच्चा प्यार करता हूँ सर, उसके घर वाले नहीं मान रहे सर, मैं क्या करूं। मैंने भी भाई साहब मस्त रिप्लाई किया, मैंने बोला बेटा सीजीएल निकाल ले या यूपीएससी निकाल ले, हाँ, या बैंक का कोई पेपर निकाल ले, हाँ, अच्छा सा पेपर निकाल ले, हाँ, बढ़िया सरकारी नौकरी ले ले, हाँ, उसके घर वाले मान जाएंगे। उसके बाद लौंडे का कोई रिप्लाई, अगर उसको मैं कहता ना सच्चे प्यार की जीत होगी, जय हो जय हो, वो 10-12 रिप्लाई करता मेरे को, सर मैंने कोशिश की घर वाले, मैंने ऐसा रिप्लाई ठोका, उसके बाद मेरे बच्चे का कोई रिप्लाई उस बच्चे का मेरे को दिखाई नहीं दिया इंस्टाग्राम पे, ठीक है, बड़ा मैं समझ गया था, तुरंत समझ गया था किसी के घर वाले कब नहीं मानेंगे, जब सामने वाला कुछ है ही नहीं, सामने वाला कुछ है नहीं, कौन मानेगा बे, समझ रहा है मां बेटा, फिर तो इंतजार कर तेरे घर के सामने से बारात जाएगी, बस दूल्हा तू नहीं होगा, सिंपल है बात, ये कड़वी सच्चाई है भाई साहब, कुछ बन तो लो, आशिक लड़ानी है इन्होंने, कुछ बने हैं नहीं, पहले आशिक बन जाएंगे। अगला वर्ड सो आया, तो लेविश वर्ड का मीनिंग समझ आ गया, लेविश होता लेविश गिफ्ट, लेविश प्रॉमिसेस, लेविश प्रेज, लेविश स्पेंडिंग, बहुत ज्यादा एक्सेस, तो ये भी इसका क्या बन गया बेटा, अपने आप में सिनोनिम बन गया। अच्छा एक्स्ट्रावेगेंट तो सुना होगा यार, ये तो बच्चे बच्चे ने सुना है, आ जाओ बेटा, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब भी होता है स्पेंडिंग टू मच, बहुत ज्यादा क्या करना, स्पेंड करना, उसके लिए एक्स्ट्रा, ठीक है, स्पेंडिंग के लिए एक्स्ट्रावेगेंट शब्द यूज किया जाता है, तो एक्स्ट्रा याद रखिएगा आप शब्द, एक्स्ट्रावेगेंट एक्स्ट्रा याद रखेगा, और यूजिंग टू मच ऑफ समथिंग, किसी चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेना, रिसोर्सेज को, पैसे को, ठीक है। द एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल ऑफ अ मूवी स्टार इज नॉट लाइक्ड बाय मी, कहता मेरे को पसंद नहीं है जो मूवी स्टार एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफस्टाइल अपनाते हैं, आप देखते ना खर्चीला लाइफस्टाइल अपनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं हमेशा, किराए पे खरीद खरीद के, उन चीजों के लिए आपने बोला एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल क्या हुआ बेटा, नाउन, उससे पहले क्या हुआ एडजेक्टिव, इजी वर्ड है भाई, उड़ा दिया। अब आ जाओ बेटा ये वर्ड तो सुना होगा स्पेंडथ्रिफ्ट, जो एक्सेस क्या करता है, स्पेंड करता है, स्पेंडथ्रिफ्ट, आप स्पेंड से याद रखिएगा बेटा, स्पेंड प्लस थ्रिफ्ट, देखा ना जो मैंने कहा था रूट जो बनेगा मैं बता के चलूंगा। तो अगला वर्ड भाई साहब, ये स्पेलिंग में पूछा जा चुका है, ये स्पेलिंग में आ चुका है, मैंने बोला ना स्पेलिंग तैयार करनी है, कमेंट करते चलिएगा वर्ड। तो हमारे पास अगला जो वर्ड बन गया बेटा, बन गया स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अ वे दैट वेस्ट इट, क्या बना, ही स्ट्रगल टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, यार वो स्ट्रगल कर रहा है उस परिवार को सपोर्ट करे, जो परिवार दैट इंक्लूडेड करता है हिज स्पेंडथ्रिफ्ट फादर, मतलब उसके पापा अच्छे नहीं है, खर्चीला करते हैं, तो बच्चा मेहनत करके अपना कमा रहा है पर वो स्पेंडथ्रिफ्ट फादर है, गलत बात है। तो ये चीज यहां हुई स्पेंडथ्रिफ्ट का मीनिंग, आसान हो गया बेटा। अगले वर्ड पे आते हैं बेटा, स्क्वैंडलर, अच्छा देखो स्क्वैंड से बना है, इस वर्ड को मैं आगे एक्सप्लेन भी किया है, देखा स्क्वैंड में ER लगा है, होता नहीं वैसे, जैसे मैंने बोला टीच वर्ब है, वर्ब में आप ER लगाते हो तो क्या बनता है नाउन, वो बन गया टीचर, पढ़ाने वाला, स्क्वैंडर, स्क्वैंडर, तो इसका मतलब वो किससे बना है, स्क्वैंड, स्क्वैंड होती है बेटा वर्ब, अभी पढ़ाऊंगा आपको, स्क्वैंडर वर्ब होती है, तो स्क्वैंडर जो बना वो अपने आप में नाउन बना होगा। आइए इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया हो बेटा, देखो मैंने लिख दिया स्क्वेंडर वर्ब होती है बेटा, और जब आप इस पे ER जोड़ते हो तो वो क्या बन जाता है नाउन, तो स्क्वेंडर और स्क्वेंडर, तो ER वो बन गया नाउन, तो दोनों शब्द आप ये स्पेलिंग में भी आ जाएगा बेटा, वैसे भी पूछेगा, टू वेस्ट मनी,
और यूज समथिंग वैल्यूएबल दैट यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन अ बैड और फुलिश वे. मतलब आपके पास जो चीज लिमिटेड भी है ना उसको भी आप पागलपन में खर्च कर रहे हो. सो स्क्वेंडर हो गया. सो गवर्नमेंट शुड नॉट स्क्वेंडर. इसका मतलब शुड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आई बेटा? फर्स्ट. द टैक्स पेयर्स मनी. भाई टैक्स पेयर्स की मनी गवर्नमेंट को ऐसे नहीं खर्च करनी चाहिए बिन सोचे समझे. जो मन आया अपना कर डाला. कई बार देखते हो आप गवर्नमेंट करती है ऐसे काम. इसलिए बेटा स्क्वेंडर का मतलब क्या हो गया? अ रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट कंज्यूमर. इंसान के लिए ही बेटा ये यूज हो जाएगा. ऐसा इंसान जो दिन दहाड़े इन चीजों को करे. तो बेटा टेक्निकली यहां से हमें दो वर्ड देखने को मिल गए. आ जाओ बेटा अगला हमारे पास ये 20. और आप अगर आप देखेंगे बेटा इसको स्क्वेंडर, अब आपको लगे हाथ ये भी याद हो गया. हो सकता है इसका सिनोनिम ये भी दे दे. 21 वर्ड हुए. देखो बेटा इम्प्रूडेंट ये हुआ मेरे बच्चे 22. इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है चलो जानते हैं बेटा. प्रूडेंट में इम जुड़ा हुआ है आ जाओ. तो इसका मतलब जो मैं यहां इसको समझाऊंगा इम्प्रूडेंट को याद रखिएगा ये बना है बेटा इम प्लस प्रूडेंट. अब आपको मैं यहां से दो वर्ड याद करा जाऊंगा बेटा. एक तो प्रूडेंट और एक इम. प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट होता है हमने नहीं अपना कोचिंग ओपन किया था प्रूडेंस. प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी के साथ चलने वाला व्यक्ति. ठीक है जिसको चतुर बोल दो चालाक बोल दो. ठीक है बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान जो चतुराई के साथ चलता है हर कदम को फूंक फूंक के रखता है उसकी वैल्यू को समझता है आगे फ्यूचर में क्या होगा होता है प्रूडेंट. इम्प्रूडेंट भाड़ में गई दुनियादारी बिन सोचे समझे खत्म करो सब चीजों को. सो बेटा इसीलिए अनवाइज बोल दिया और यहां पर हमने बोल दिया इम्प्रूडेंट को बाय फेलिंग टू कंसीडर द लाइकली रिजल्ट. रिजल्ट नहीं सोच रहा क्या है भाड़ में गया. ठीक है योर एक्शंस. ठीक है तो द रिपोर्ट क्रिटिसाइजेस द बैंक्स. बैंकों को क्रिटिसाइज किया है उस रिपोर्ट ने फॉर बीइंग इम्प्रूडेंट इन देयर लैंडिंग. मतलब बैंक ने ऐसे ही पैसा बांट दिया. अबे देख तो लो जो लोन ले रहा है वो चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा. इम्प्रूडेंट बिहेवियर था उनका. इम्प्रूडेंट बिन सोचे समझे फ्यूचर में पैसा रिकवर हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा. इम्प्रूडेंट बिन सोचे समझे कर रहे हो किसी चीजों को. तो बेटा वही हो गया स्पेंडर. बिन सोचे समझे खर्च कर रहे हो बिन सोचे समझे कुछ कर रहे हो. सो इम्प्रूडेंट ने हमें दो वर्ड दे दिए बेटा. अब इसको क्या करोगे आप इसको देखोगे. एक तो इम्प्रूडेंट हमें आज से पता चल गया. इसका मतलब बेटा इसका एंटोनिम तैयार कर लिया हमने. इसका अगर मैं एंटोनिम के एक और वर्ड देखूं तो वो बन गया मेरे बच्चे प्रूडेंट. वो बन गया प्रूडेंट. तो हमारा ये 23rd नंबर वाला एक और प्यारा सा वर्ड तैयार हो गया. आइए अब अगली चीज को देखते हैं. आज का ये अगला वर्ड इसका सिनोनिम प्रोफ्यूज जो हमारा 24 नंबर वाला वर्ड बनेगा. बेटा इसकी लिस्ट बनाइएगा एक कॉपी बना लेगा. हर क्लास में जितने वर्ड उन वर्डों को लिख लेना खाली. रिवाइज आपको इससे करना है. रिवाइज आपको मेरे बच्चे ये बुक मिलेगी. रिवाइज आप इसके चैप्टर वहां से कर लोगे. ठीक है ना ये चीज आप यहां पर कर लो. डन है. चलो 8:30 तक लेंगे बेटा क्लास. 10 मिनट और लेंगे. ठीक है चलिए आगे देखते हैं. सो हमारे पास ये बन गया. तो हमारे पास क्या बन गया सर? प्रोफ्यूज अगला वर्ड आ गया. अब बेटा प्रोफ्यूज को पढ़ लेते हैं क्या है. आज ये अगला वर्ड हमारे पास आ गया प्रोफ्यूज. बेटा प्रोफ्यूज का मतलब दो तरीके से होता है. एक तो प्रोफ्यूज होता है एक्सेस. जैसे मैंने बताया था ना क्लास में कई बार जिक्र करता हूं कुछ कट गया बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है. अपने उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है प्रोफ्यूज ब्लीडिंग. एक प्रोफ्यूज होता है बेटा बहा दो सब पैसों का. प्रोफ्यूज स्पेंडिंग और गिवन फ्रीली इन अ लार्ज अमाउंट एक्सेस में दे दो एक्स्ट्रावेगेंट प्रोफ्यूज उसके लिए भी शब्द यूज किया जाता है. तो ये थे इसके सिनोनिम्स. ठीक है आ जाओ बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर इसके एंटोनिम्स का जिक्र करते हैं. तो हमारे पास वर्ड क्या बना प्रोडिगल. वर्ड क्या था बेटा प्रोडिगल. इसके एक बार सिनोनिम्स का जिक्र करो. आ जाओ प्रोडिगल क्या लिखा हुआ है. प्रोफ्लिगेट साथ साथ पढ़ना. लेविश एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडथ्रिफ्ट स्क्वेंडर स्क्वेंडर इम्प्रूडेंट प्रूडेंट प्रोफ्यूज. लेकिन इसके अब सिर्फ सिनोनिम को पढ़िएगा. सिर्फ सिनोनिम को पढ़िएगा. आ जाओ पढ़ो दोबारा से पढ़ो. प्रोडिगल दोबारा पढ़ना. प्रोडिगल प्रोफ्लिगेट लेविश एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडथ्रिफ्ट स्क्वेंडर इम्प्रूडेंट और प्रोफ्यूज. एसी तो चलेगा. बोल बोल के इतना एनर्जी आ गया मेरे में. और उसको राजू को बोलना आकाश चाय के लिए. गला नहीं चल रहा मेरा. राजू बेटा चाय बना. चाय पियोगे आप सभी? नहीं मना कर रहे हैं. तो मेरे लिए ले आ थोड़ी पी लो. बिल्कुल नहीं पीनी. ठीक मना कर रहे हैं भाई. मेरे लिए मेरा गला पूरा. मैंने पता है यकीन मान मैं एसी चलाया हुआ मुझे इतनी गर्मी लग रही है. ठीक है बोल बोल के होता है ना. चलो पाजी आगे बढ़ते हैं.
आगे बढ़ते हैं और 10 मिनट पढ़ते हैं फिर करेंगे छुट्टी। अगले वर्ड पे आते हैं, तो हमारे पास वर्ड हो गए बेटा टोटल, आज हमने वर्ड देख लिए 24। अब अगले वर्ड पे आते हैं, मैंने कहा ना मिनिमम 30 तो निपटाने हैं भाई साहब एक क्लास में। 24 के बाद आते हैं बेटा 25 वाले वर्ड पे, इकोनॉमिकल। देखो इसे मुझे अब इसके एंटोनिम है, अब समझदारी, अब आएगा बेटा जो पैसे को सोच समझ के खर्चता है, जो पैसे को सोच समझ के खर्चता है ठीक है उसको बोलते हैं बेटा हम, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल पर्सन, इकोनॉमिकल पर्सन ठीक है, इकोनॉमिकल पर्सन। सो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स जो अप्लाई करे, इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, ओए प्राइस बढ़ रहा है, कहता डिमांड कम कर दे डिमांड कम कर दे प्राइस अपने आप घट जाएगा। कहता तूने सुना पेट्रोल महंगा हो गया, कहता तेरा भाई बस में रहता है, पेट्रोल में आग लगे उनको कोई लेना देना नहीं, बस का किराया सेम है, तेरे भाई ने बाइक खड़ी कर दी अब लेके नहीं जा रहा, पेट्रोल बढ़े घटे, ये होते हैं लॉन्डे इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं, जिनको डिमांड सप्लाई और प्राइस का कनेक्शन पता है, कहते डिमांड घटा देंगे प्राइस घट जाएगा, डिमांड बढ़ाओगे तो प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई साहब, क्योंकि सप्लाई तो बढ़ नहीं रही है वहां से, समझ रहे हो, समझ रहे हो साहब इकोनॉमिक्स। हाँ तो इकोनॉमिकल पर्सन होता है बेटा ऐसा, ठीक है एक वर्ड, अब उसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आइए फ्रूगल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई साहब, आइए जी। फ्रूगल का मतलब क्या होता है, केयरफुल व्हेन यूजिंग मनी और फूड, जो खाने को भी मतलब जो ओवरऑल लिमिटेड अमाउंट को बहुत ध्यान से खर्चता, चाहे वो खाना हो चाहे पैसा हो भाई साहब, उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस वर्ड के लिए हमने बोल दिया चीप और स्मॉल इन अमाउंट, भाई साहब सस्ता टिकाऊ, इसलिए हमने बोल दिया बेटा अ फ्रूगल लाइफस्टाइल, अपना है फ्रूगल लाइफस्टाइल। उसने बोला भाई साहब घड़ी लाया, दे रहा भाई साहब, कहता 1.5 लाख की भाई साहब राडो है, तेरा भाई 250 रुपए की लाया, डिस्काउंट में 125 रुपए मंगाई है ऑनलाइन, कहता तो कहता टाइम एकदम झकास और बिंदास और वही दिखाती है, इसको बोलते हैं बेटा हमने अपना फ्रूगल लाइफस्टाइल। तो सामने वाली बेइज्जती कहता पागल है, सो हमने बोल लिया तो फ्रूगल लाइफस्टाइल एकदम सोच समझ के पैसा खर्च करेगा बंदा भाई साहब, डन है ऐसा, डन आगे बढ़े। तो हमारे पास ये बढ़ोगे, अब आते हैं बेटा 50 27 50। अब देखो स्पेंड थ्रिफ्ट, अब स्पेंड को गायब कर दो, थ्रिफ्टी लिमिटेड आ जाए भाई साहब, अब लिमिटेड आ जाए, अब क्या कर दिया आपने लिमिटेड आ गया 50। सो 50 को याद करना, स्पेंड थ्रिफ्ट, अब स्पेंड को हटा दो 50 बचा, अब कोई स्पेंड नहीं होगा भाई साहब, इसलिए शोइंग अ केयरफुल यूज ऑफ मनी स्पेशली बाय अवॉइडिंग वेस्ट, वेस्ट करना ही नहीं है तेरे भाई ने पैसा, वेस्ट करना ही नहीं है ठीक है, ये चीज यहां पर बन जाती है भाई साहब, क्लियर हो गया, सिंपल है। अब ऐसे में भाई साहब अब बताओ, अब गर्लफ्रेंड कह रही कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, ये बंदा चीनी ले आएगा, ले चीनी खा ले, एड वाले कह रहे कुछ मीठा हो जाए डेयरी मिल्क लाओ, भाई साहब चीनी ले आया 1 किलो ले आया, कहता खा कहता खा और महीने तक का काम चल जाएगा, मीठे से तो मतलब है मीठा मुंह करना है ना, चीनी खाओ मस्तानी लाइफ। तो बेटा याद रखिएगा थ्रिफ्टी कंजूस व्यक्ति, तो ऐसे आप इसको कह सकते हो, इसका मतलब ये है दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी नाउ बट दे स्टिल टेंड टू बी थ्रिफ्टी, कहता भाई साहब पैसा उनके पास बहुत है लेकिन कंजूस व्यक्ति है, ठीक है पैसा उसके पास बहुत है लेकिन कंजूस व्यक्ति है, हर चीज का उसके पास तोड़ है, ठीक है हर चीज का उसके पास तोड़ है, होता नहीं है कई कई माँ बाप भी हो जाते हैं ऐसे, बच्चा कहता पापा पापा ये कछुआ खरीदना, कछुआ कहता कछुआ जैसा था तेरा बाप ही है, कछुआ खरीद के क्या कर? अभी मैं कछुआ बन के दिखाऊं तेरे को, कछुआ दिखाऊं तेरे को बन के, कछुआ बन जाता है उसका पापा, कहता मैं बन गया ना जीता जागता कछुआ, हाँ तो क्या करेगा उसका बेचारा बच्चा, फिर दूसरी जगह जाता है कहता पापा पांडा पांडा दे, कहता पांडा तेरी माँ ही है, पांडा बन के दिखाओ बच्चे को, मम्मी पांडा बन के दिखा रही, कहते बेटा देख पांडा भी है घर पे, और बताओ क्या चाहिए, और बताओ कुछ चाहिए, कहते भाई साहब क्या बोलेगा बच्चा, क्या बोलेगा सब चाहता है बच्चा, भाई साहब पापा जो कहेगा पापा वही बनेंगे, जो कहेगा सारे घर के सदस्य वही बन के दिखा रहे हैं, अब बच्चा ठीक है पापा। तो ऐसे होता है बेटा थ्रिफ्टी, ठीक है अब आ जाओ अगला वर्ड है स्क्रिम्प। अच्छा स्क्रिम्प करने का मतलब क्या होता है, पैसा बचाओ अभियान है भाई साहब, पैसा बचाओ अभियान है। तो हमने बोला टू सेव मनी बाय स्पेंडिंग लेस देन इज नेसेसरी टू रीच एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड, मतलब गुजारा करना है जितने की जरूरत है उससे भी कम में, मतलब जितने की जरूरत है ना उतना भी नहीं वैसा, गुजारा करना है, गुजारा करना है। जैसे कई अपने लौंडे नहीं होते सारा पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ठीक है बैच लिया पीडीएफ लगाई पढ़ लिया किताब ले ली ठीक है, अब बाकी प्रैक्टिस दुकान पे खड़े खड़े जाके पता चला भाई साहब पूरी पूरी मैगजीन पढ़ डाली करंट अफेयर्स के लिए, कहता मेन मेन पढ़ लिया, हाथ धर दी, कई लोंडे होते हैं दुकान पे खड़े खड़े पढ़ते रहते हैं भाई साहब ठीक है, ये चीज अगले दिन दुकान चेंज मैगजीन चेंज, फिर अगले दिन दुकान चेंज मैगजीन चेंज, इसका मतलब जितना नेसेसरी है ना उतना भी नहीं खर्च रहे वो, ठीक है उतना भी नहीं खर्च रहे उसके लिए एक मिनट भाई साहब पानी पीना पड़ेगा,
गला गया। उसके लिए हम ये बोल के चलते हैं, पानी पीजिएगा नहीं, ठीक है भाई, उसके लिए हम वर्ड बोल के चलते हैं स्क्रिम। तो स्क्रिम करना जितना नेसेसरी उतना भी नहीं। देखो, देयर इज अ रिस्क, खतरा है, दैट डेप्ट राइड इन एयरलाइन मे बी टेम्पर्ड टू स्क्रिम ऑन मेंटेनेंस और सिक्योरिटी। कहता भाई साहब कई होते हैं जहाज, कहता खतरा, कहता अरे खिड़की निकल रही है तुम्हारे जहाज, कहता लगा देंगे, समझ रहे हो, किसका मतलब ये कोई एयरलाइन ना कर दे काम कि जितना नेसेसरी है खर्च करने का। इसलिए कभी भी याद रखना, कहीं भी अगर जहाज में जाए सो ऐसी एयरलाइन में जाए जो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही हो, क्योंकि बेटा फिर वो थोड़ी छोटी 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 चीजों में कॉस्ट कटिंग करेंगे और कहीं लाइफ ना काट डाले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो गया? आइए, ठीक है जी, तो ये हो गया स्क्रिम करना। तो स्क्रिम करने का मीनिंग समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो आज का कहां गया हमारा, बस फ्लो खराब करा दिया उसने आगे। ये रहा बेटा 28, आगे बढ़िएगा। कंजर्विंग, अच्छा देखो, अब मैंने क्या किया, स्क्रिम के बाद यहां पे कंजर्विंग नहीं लिखा सर, क्यों? अरे बेटा सबको पता है कंजर्व करना। अब कंजर्विंग 29 नंबर वर्ड हमारा बन गया। कंजर्विंग होना इसका मतलब भाई साहब स्पेंड नहीं करेंगे, तो इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, वर्ड टाइप करके सीधा याद हो जाए। ठीक है जी, अगला बेटा, अगला वर्ड भी बच्चे बच्चों को बताओ भाई साहब, फिर से मैं वही बच्चा बैठा हुआ, अभी बिन चड्डी बैठा, ठंड में अभी बैठा, अड़ा बताओ जरा, निगाड़ली का मतलब क्या होता है? निगाड़ भी होता है बेटा कंजूस व्यक्ति, ठीक है। हो ये वर्ड भी हो नहीं सुना होगा, ठीक है, और ये वर्ड भी आपने सुना होगा, ये नाउन होता है बेटा, ठीक है, उसको एडजेक्टिव बना दिया एल वाई लगा के, ठीक है, वेरी गुड। सो माइजो आपने सुना होगा, निकाड़ आपने सुना होगा, ये भी अपने आप में वर्ड होता है, कंजूस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। पाजी 30 नंबर आपके सामने पेश है, ठीक है, आइए। पार्सिमोनियस आपने वर्ड शायद सुना हो, 31 नंबर भाई साहब, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया 31 नंबर वाले वर्ड को, ठीक है बेटा। देखो पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन पार्सिमोनियस होता है जो बिल्कुल खर्चा नहीं करेगा, हो गया ना। देखो फिर से एक्सप्लेनेशन पढ़ो, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी और गिव और यूज अ लॉट ऑफ समथिंग, वो नहीं करता किसी चीज का भी यूज, ठीक है, नॉट विलिंग, एक बात याद रखिएगा बेटा, नॉट विलिंग आगे तक जुड़ा है छोटू भाई, नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, नॉट विलिंग टू गिव, नॉट विलिंग टू यूज अ लॉट ऑफ समथिंग, नॉट विलिंग, इच्छा नहीं है उसकी, बिल्कुल नहीं। सो पार्सिमोनियस उस वर्ड से को बोल दिया जाता है। आइए, शी इज टू पार्सिमोनियस टू हीट द हाउस, ठीक है, प्रॉपरली, कहता भाई साहब उसको नहीं घर चलाना या घर चलाने के होता ना, कई सारी लेडीज होती है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के पैसा लगाती है, ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। आगे बेटा अगला इसी का, यहीं पे निपटा देते हैं, 32 नंबर वाला हुआ पेनरियस। अच्छा पेनरियस का मतलब क्या होता है बच्चे, पेनरियस का भी मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, मतलब ऐसा बंदा जो बहुत गरीबी में बेचारा जी रहा है, ऐसा बंदा जो बहुत गरीबी में जो जी रहा है। और मुझे 100% यकीन है मेरे बच्चे, हम में से कई सारे लोग हैं जो अभी इस पे, लेकिन नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद अपना बिजनेस भी करोगे, 100 तरीके के रस्ते खुल जाएंगे। सो प्लीज मेहनत अपना यू ही रखिएगा। ये वर्ड हुआ हमारा 32 नंबर वाला वर्ड। अब यहां पर आ रहा है बेटा अगला स्टेप, अगला स्टेप, लेकिन अगर अगले स्टेप पे गए तो हमारी 15-20 मिनट और आगे खिंच जाएंगी, तो हम इसे रख रहे हैं 8:30 तक, ठीक है जी। आगे पढ़ना है या रुकना है अभी, एक बार फटाक से कमेंट कर, आगे पढ़ा दूं एक और स्टेप या रुकूं? 32 वर्ड्स तो हो चुके हैं, तुम कहोगे तो मैं और निपटा दूंगा बेटा। स्टेप का मेरा मतलब है हर्त में ही हम कदम करेंगे जितने वर्ड हम मैनेज कर पाए, क्योंकि आप जब वोकैब की बुक से आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे, ठीक है, हाँ, तो आप इन वर्ड्स को देखो कितने आप वर्ड याद करो, ये मत देखो एक वर्ड एंटोनिम सिनोनिम, ये देखो कितने वर्ड आज आपने सीखे, 32 वर्ड्स तक है, तो आप अगर दिमाग में बैठाएंगे तो अगले स्टेप पे हम बढ़े, अदरवाइज हम इतना रोक सकते हैं। कल फिर हम आगे अपना वही 7:30 से 8:30 क्लास कर देंगे, 1 घंटे ले लिया करेंगे, 7:30 से 8:30 कर लेंगे, ठीक है। आज 30 अच्छा है ना, 30 बढ़िया मेरे हिसाब से, फिर नेक्स्ट स्टेप कल से उठा लेंगे, इसको यहीं सेव कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाजी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आज कल में जो भी तुम कहोगे, जो भी तुम कहोगे कि पहला ही दिन है ना, कहीं ये ना हो मैं तुम्हें ज्यादा मरोड़ दू तरोड़ दू, तुम बोलो बहुत ज्यादा वर्ड हो गए,
ठीक है चलो और कर लेते, एक काम करते थोड़ी फास्ट करते, एक स्टेप और कर लेते, एक स्टेप और कर लेते, कसम है तुम्हें, एक स्टेप और फास्ट करेंगे, अब स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है एक स्टेप और हो जाए। चलो भाई साहब नेक्स्ट स्टेप, एक लास्ट स्टेप ये करते बेटा, रेपुडिएट करना लास्ट स्टेप है भाई साहब, ये लो थोड़ा तो यार हिम्मत दिखा लो, 33 लास्ट स्टेप है बेटा यार, इसमें मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे, स्पीड बढ़ाते हैं ज्यादा वर्ड करते। रेपुडिएट करने का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को मना कर देना, किसी भी चीज को मना कर देना, रेपुडिएट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। जैसे जज के पास आप गए कोई चीज सबूत लेके गए, उन्होंने रेपुडिएट कर दिया, उन्होंने रेपुडिएट कर दिया, तुमने कुछ बात की तुम्हारी स्टेटमेंट को रेपुडिएट कर दिया, मना कर दिया, नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है रिफ्यूज कर दिया मना एक्सेप्ट करने से, ओबे करने से मना कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेटा रेपुडिएट कर देना, रेपुडिएट कर देना। ठीक है तो देखो, द एविडेंस प्रेजेंटेड एट द ट्रायल हैज बीन रेपुडिएटेड, तो वो जो एविडेंस पेश किए थे उनको रेपुडिएट कर दिया, हटाओ उनको रेपुडिएट कर दिया, तो रेपुडिएट करने का मतलब होता है मना करना, रेपुडिएट करने का मतलब क्या होता है बेटा मना करना, वो करना। तो ये 33वां वर्ड हुआ। अब आगे देखो, तो ये ऐसा आसान हो गया, आगे देखो बेटा अब इसके सिनोनिम्स। अच्छा एक बात बताओ यार, नेगेट करना तो बच्चे बच्चे को पता है, नेगेट करने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेट से ही तो बने हैं, इसलिए मैंने बेटा नेगेट को यहां एक्सप्लेन नहीं किया, नेगेट करने का है मना कर देना। अच्छा डिनाय करने का मतलब भी क्या होता है, मना कर देना, बेटा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, मना करना मना करना। बेटा 36 नंबर को जरा देखो, डिसऑन। अच्छा डिसऑन को ऐसे लग रहा है ना जैसे ये डिसऑन 36 नंबर बना है मेरे बच्चे, डिस प्लस ऑन, तो इसमें रूट आपको दिख जाएगा, ऑन क्या होता है अपना, डिसऑन मना कर दो, डिसऑन कर दो, बस निकल यहां से, सोच के पापा ने उसे डिसऑन कर दिया, डिसऑन कर देना बेटा किसी भी चीज को हटा देना, चलो आज से तेरा मेरा कोई साथ नहीं, निकल जा मेरे घर से, ऐसा आप कर रहे हैं तो उसके लिए डिसऑन कर देना, डिस प्लस ऑन से वर्ड बना है। क्या बेटा, टू मेक इट नॉन दैट यू नो लॉन्गर हैव एनी कनेक्शन विद समवन, अब तेरा मेरा कोई साथ नहीं, दैट यू वर क्लोजली कनेक्टेड विथ, ठीक है ये चीज। तो क्या लिखा, इट्स अ स्टोरी सेट इन द लास्ट सेंचुरी अबाउट अ गर्ल हूज पेरेंट्स डिसऑन्ड हर व्हेन शी मैरिड अ फॉरनर, उसने फॉरनर से शादी की, उनके मां बाप ने उसे डिसऑन कर दिया, ठीक है निकाल दिया, डिसऑन खत्म। आगे बढ़ो बेटा, इसके लिए अगला वर्ड हमारे पास 37 बना बेटा, रिफ्यूट करना, अगला वर्ड इसी के बाद यही ना, देखो इसके बाद अगला वर्ड क्या बना बेटा, रिफ्यूट करना, रिफ्यूट करने का मतलब भी होता है टू से और प्रूव दैट अ पर्सन स्टेटमेंट या ओपिनियन कोई भी चीज इज रॉन्ग और फॉल्स, किसी भी चीज को गलत साबित कर देना, हटा देना, मना कर देना, नकार देना, ये गलत है। अगला वर्ड फटाक से टाइप करो, रिप्यूट कर देना। सो रिफ्यूट का मतलब भी होता है बेटा मना कर देना, नकार देना, हटा देना, उसके लिए आप रिफ्यूट करने के लिए वर्ड को यूज करते हो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, रिफ्यूट अपने आप में वर्ड बन गया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ जी फोगना। अब अगला वर्ड है बेटा 38, डिस्क्लेम करना। अच्छा देखो, किसी चीज को अगर तुम अपना रहे हो तो आप उसे क्लेम करोगे, मेरा है मेरा है मेरा है, अगर किसी चीज को हटा रहे हो तो डिस प्लस क्लेम कर दोगे, डिस्क्लेम कर देना, डिस्क्लेम कर देना। सो डिस्क्लेम बना बेटा टू से दैट यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिस्क्लेम कर दिया, कोई चीज क्लेम कर रहे हो तो अधिकार जताते हो, डिस्क्लेम है मेरी नहीं है। अगला वर्ड लिखना, और नॉलेज ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड और बीन डन, जो भी काम हुआ है जिसकी तुम्हें नॉलेज है उसे मना कर देना, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी हुआ हो बाहर में गया, डिस्क्लेम कर रहे हो। वी डिस्क्लेम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस डिजास्टर, इस डिजास्टर के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उससे डिस्क्लेम करते हैं, हम उससे पल्ला झाड़ते, पल्लू झाड़ना जिसे बोल देते हैं ना बेटा, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो डिस्क्लेम कर देना, डिस्क्लेम कर देना, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो। आ जाओ बेटा, डिसअवाउ, डिसअवाउ का मतलब होता है देखो डिस प्लस अवाउ, ये वर्ड फिर से आएगा मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ये वर्ड इसके सिनोनिम में है तो इसके एंटोनिम में आएगा अवाउ, सो ये बना है डिस प्लस अवाव, अवाव होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, डिसअवाव, डिसक्लेम जैसे बना है, टू से दैट यू नो नथिंग अबाउट समथिंग, मेरे को कुछ नहीं पता भाई इस बारे में, नकार रहे हो, पल्लू झाड़ रहे हो, मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता, हटो हटो मेरे को कुछ नहीं पता, तो आप क्या कर रहे हो उसे डिसअवाव कर रहे हो, डिस प्लस अवाव, फिर आएगा अवाव, इसका एंटोनिम बन गया बेटा, अवाव होता है चीजों को एक्सेप्ट करना, डिसअवाव आप उससे बच रहे हो।
सो ये चीज आपने बोल दिया, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ. सो दे वर क्विक टू डिसअवाउ, वर्ब हुआ द रूमर, रूमर को डिसअवाउ कर दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं, डिसअवाउ कर दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है. तो ये बना मेरे बच्चे हमारा 38 डिसक्लेम करना, 39 डिसअवाउ करना. अगला वर्ड है बेटा एब्डिकेट करना. आ जाइए जी, ये बॉय सब इतनी बार आया है ये वर्ड पेपर में. अगला वर्ड है बेटा 40 नंबर वाला, एब्डिकेट कर देना. एब्डिकेट को दो तरीके से यूज किया जाता है. अगर अगर कोई राजा है वो अपना जो राजपाट है उसको क्या कर रहा है, एब्डिकेट छोड़ रहा हूं यार, गद्दी छोड़, एब्डिकेट. दूसरा बेटा टू स्टॉप कंट्रोलिंग और मैनेजिंग समथिंग दैट यू आर इन चार्ज ऑफ, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपका चार्ज था, आप करते थे उस चीज को मैनेज, अब आप जिम्मेवारियों से एब्डिकेट कर रहे हो, छोड़ रहे हो यार चीज, एब्डिकेट करना. तो क्या लिखा है, शी एब्डिकेटेड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट, उसने उस प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एब्डिकेट कर दिया. अब एसी बंद कर देते हैं भाई, अब हो गया ज्यादा एकदम रूम. So, हमने क्या बोला, शी एबडिकेटेड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसने एबडिकेट कर दिया. आगे देखो बेटा, ऐसा ही वर्ड होता है रिनाउंस करना. एक होता है अनाउंस, एक होता है रिनाउंस, हटा दो, हटाओ, खत्म करो. सो टू से फॉर्मली और पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर ऑन सपोर्ट और बिलीव इन और हैव अ कनेक्शन विद समथिंग. अब आप मना कर रहे हो कि अब आपको उस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए भी ऐसा ही बेटा, गद्दी छोड़ना, रेनाउंस या एबडिकेट करना होता है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, उसके लिए आप रेनाउंस शब्द का यूज करते हो. ठीक है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं. हर एक्स हस्बैंड रेनाउंस्ड हिज क्लेम टू द फैमिली हाउस, उसने क्या किया, उस फैमिली हाउस पर अपना क्लेम होने को क्या कर दिया, रेनाउंस, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं. तो उन चीजों को रेनाउंस कर देना, छोड़ देना. ठीक है भाई, पक्का. आइए जी अगला वर्ड बेटा, अब आ गया रिकेंट. बेटा सेम होता है, एक दो और सेम, ये हो गया 41, ये हो गया बेटा 42. रिकेंट करने का मतलब है अनाउंस करना पब्लिकली, अब आप जो आप मानते आ रहे थे स्टेटमेंट, अब आप उनको नहीं मानेंगे, अब आप उनको नहीं मानेंगे. बस बेटा 5 मिनट बची, अब आप उनको नहीं मानेंगे. सो हमने क्या देखा, आफ्टर अ ईयर स्पेंड इन सॉलिटरी, ठीक है, मतलब होता अकेले जीने के बाद उसने बोला, ही पब्लिकली रिकेंटेड हिज व्यूज, उसने अपने ही जो व्यूज थे जिनको मानता था वो, उसने बोला बट यार मैं नहीं मानता आज के बाद ये. सो उसके लिए वर्ड यूज कर दिया जाता है रिकेट. तो 5 मिनट में खत्म हो रहा है, कौन कौन जा रहा है, हाँ तुम लोग तो निकल जाओ, आकाश को रोका रहेगा बस, ठीक है तुम लोग निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाय बेटा चलो. अरे स्टाफ को भी तो रोक के रखा हो जाओ. सो रिकेंट करने का मतलब है, ठीक है, रिकेंट करने का मतलब क्या होता है, देख लो बेटा, तुम्हारे लिए मैं रुका हूं, तुम मेरी वजह से मेरा स्टाफ रुका हुआ है, अब तुम अगर नहीं पढ़े ना पाप लगेगा. याद रखना, जो भी अपने मां बाप की दिल से इज्जत नहीं करता, उनके पैसे की वो पाई पाई जो जोड़ के कमा रहे हैं ना, जो उनकी इज्जत नहीं करेगा ना बेटा पाप लगेगा, गारंटेड लिख के ले लो. भगवान आगे जाके तुम्हें तुम्हारी जैसी ही औलाद देगा, और जब तुम बाप बनोगे तब समझ आएगा तुम्हारे बाप का क्या दुख है. इस बात को याद रखिएगा, अगर तुम लायक हुए तो आने वाली पीढ़ी आपको ऐसी मिलेगी, आपके दोस्त भी ऐसे होंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके आने वाले बच्चे भी ऐसे होंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. वरना होता ना, जब खुद बाप बना तो आज अपना बाप सही लगता है कि उस टाइम पे वो सही कहा करता था, ये ध्यान रखना बेटा. इसलिए होता ना, एक बाप का दुख एक बाप ही समझ सकता है, इसलिए मैं आपको इमोशनल होकर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ यहां लगा पड़ा है. और इस पीडीएफ को तुम टाइप करके देख लो एक बार, 2.25 घंटे लगे मुझे ये सेट करने में, और सुबह 9:30 बजे ऑफलाइन बैच के भी बच्चे हैं इसमें, ऑफलाइन मुखर्जी नगर वाले भी हैं. सुबह 8:30 9 लगा था बेटा तुम्हारे साथ, और अब तक मैं यहां, और कल फिर 9:30 बजे खड़ा हूं. उस चीजों की वैल्यू करना, 100% कामयाबी मिलेगी. चलो वापस करते हैं. सो रिकेंट करने का भी मतलब क्या होता है बेटा, नकार देना, मना करना. अब इसके बस एंटोनिम जानने हैं, बहुत कम है, खत्म करते हैं क्लास फिर. अब भाई हमारे पास हो गए 43 बेटा. अगर इसका देखो एक बार रिवाइज कर लेते, छोटा सा रिवीजन, बिल्कुल छोटा सा. आ जाओ जी, कहां गया, ये रहा. रेप्यूडिएट करना क्या था, मना करना, पल्लू झाड़ना, यही तो था. अब रेप्यूडिएट के सिनोनिम एक बार मेरे साथ साथ वर्ड बोलना है, थकना नहीं है, वर्ड बोलना है. रेप्यूडिएट, नेगेट, डिनाई, डिसऑन, रिफ्यूट, डिस्क्लेम, डिसअवाउ, एबडिकेट, रिनाउंस, रिकेंट.
तो बेटा ये हुआ 40, 41, 42। मस्त रिवीजन है, एक बार और बोल दो, रेपुडिएट, नेगेट, डिनाई, डिसऑन, रिफ्यूट, डिस्क्लेम, डिसवाउ, एबडिकेट, रिनाउंस, रिकेंट। झकास जिंदगी, आ जाओ अब खत्म करते हैं बस क्लास को, निपटाओ। अब सब कुछ मान लो, एक्सेप्ट कर लो, आसान वर्ड। अब स्पाउस, अरे जब शादी होगी, मैरी करना भी तो होता है, स्पाउस शादी से रिलेटेड होता है, शादी तो उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, उस चीज को अपना रहे हो, इसलिए बेटा स्पाउस करने का मतलब भी होता है टू बिकम इन्वॉल्व विद, सपोर्ट एन एक्टिविटी और ओपिनियन, किसी ओपिनियन को सपोर्ट करना, पल्ला नहीं झाड़ रहे, सपोर्ट कर रहे हो। सो ही एस्पाउस्ड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल व्यूज, अब पॉलिटिकल व्यूज जो आ रहे हैं वो उनको सपोर्ट करता है, सपोर्ट के लिए एस्पाउस वर्ड यूज किया जाता है, सपोर्ट के लिए। अब पल्लू झाड़ रहे थे, अब सपोर्ट कर दो बेटा, ये हुआ हमारा 44। अब 45 बेटा, किसी चीज को क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उस चीज को मान रहे हो, उस चीज को ग्रहण कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। सो ये तो इजी वर्ड है, मुझे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं। आगे मेरे बच्चे, अफर्म करना, सर ये कैसे याद करेंगे हम लोग, बेटा एक बात बताओ, अफर्मेशन क्या होता है, हाँ, नेगेशन, नेगेट, मना किया, नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्य। सो अफर्म बना है मेरे बच्चे, अफर्मेटिव से ही हाँ करना, सपोर्ट करना, अफर्म याद हो गया, ठीक है। कोरोबरेशन, कोरोबरेट, एक बात बताओ, कोरोबरेट है ना, इसका मतलब आप एक दूसरे से सपोर्ट में चल रहे हो, कोरोबरेशन, कोलैबोरेशन, ये चीज याद रखिएगा मेरे बच्चे, कोरोबरेट करना, सपोर्ट करना। अरे सर, हाँ अरे सर, डिसवाओ, डिस प्लस अवाओ, डिसवाओ मना कर रहे हो, अवाओ हाँ कर रहे हो, पाजी याद हो गया 48 नंबर वाला। तो अवाओ का मतलब है बेटा किसी चीज को एडमिट करना समथिंग और से समथिंग पब्लिकली कि हाँ मैं उस चीज को मानता हूं। ही अवाउड दैट ही रिग्रेटेड व्हाट ही हैड डन, उसने माना हाँ जो मैंने किया वो गलत था, उसने माना हाँ जो मैंने किया था वो गलत था। ये चीज आप उस चीज को लेकर चल रहे हो बेटा, ये चीज यहां पर बनती है, बताइए, डन मेरे बच्चे। अब देखो सब एक बातों को, अब इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान से सुनना, ये हमारा कल का अगला स्टेप होगा बेटा, आज का नहीं। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, आज थी क्लास नंबर 1, 48 वर्ड हमने किए हैं, दिन के मिनिमम 30 करने हैं, आज 48 वर्ड याद करने में अगर आपने एक घंटा लिया है ना, यही 48 वर्ड देखना। आज हमने 7:30 से 8:30 ये लगाओ, बीच में नेटवर्क भागे भागे, 15 मिनट का मैंने भाषण भी दिया होगा, उसको काट दो। आपने अब क्या करना, आगे की प्लानिंग सुनिए, एक घंटे में 45 वर्ड याद किए, 60 मिनट में 45 वर्ड, बहुत बढ़िया एवरेज है, बस इसी को और कम करना है, याद करना है और इसी समय को घटाते हैं। अब सुनो होमवर्क, एक चीज से मुझे सख्त नफरत है, पीडीएफ। हर बच्चा कमेंट में गा देगा, सर पीडीएफ कहां मिलेगी, मेरे दोस्त यही सबसे बुरी आदत है। आपको रिवीजन करना है, क्लास दोबारा चला दो, ये चल जाएगी, पीडीएफ जब खत्म होगी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त उससे पहले आपका फर्ज बनता है आप चीजों को रिवाइज करके लिख के, वर्ड लिखना, मीनिंग मत लिखना, आप ये 48 के 48 वर्ड की लिस्ट बनाओ, 48 वर्ड, और उस पर लिखो क्लास नंबर 1 वोकैब बैच क्लास 1, हाँ लिखो 48 वर्ड्स, हाँ, और बेटा वर्ड लिखो जो उसके जिसके सिनोनिम थे उसके साथ लिखो, एंटोनिम उसके साथ लिखो, सिर्फ वर्ड, एग्जांपल मीनिंग कुछ नहीं, ताकि आप जब रिवीजन करो तो ऐसे फटाफट करो। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, सारे के सारे बने रहेंगे, कोई भी जाएगा नहीं कहीं भी, और लाइक एंड शेयर मैक्सिमम करना बेटा, सब गरीब बच्चों का भला होना चाहिए। देखो पहला वर्ड क्या था, एम्बेलिश, उसके सिनोनिम क्या थे, डेकोरेट, इनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाइड, डेक, अडोन, ऑर्नामेंट, कैप्रिजन, ऐसे आप उसकी वर्ड लिस्ट बना लोगे क्लास में, सिर्फ वर्ड लिखने 48 वर्ड। उससे क्या हुआ बेटा, स्पेलिंग अच्छी हुई, रिविजन करते वक्त आप उनको देखो स्टेप टू स्टेप बनाना, जैसे स्टेप 1 था ना, इसके सिनोनिम्स लिख दोगे, फिर इसके एंटोनिम, सिर्फ वर्ड कॉपी करोगे, ये चीज, ये सारी की सारी जो जानकारी है बेटा वो पीडीएफ से लालच क्या है, आप ये जो बुक है खरीद मारो और आप इसके पहले स्टेप पे आ जाओ, ये सारे वर्ड आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। अभी के लिए लिखने हैं, जिनके पास किताब है उनको नहीं लिखने, आप किताब पे देख डालो, आप किताब पे देख डालो कि हाँ सर हर एक वर्ड मुझे नजर आ रहा है, अब यहां से रिवाइज करो।
फिर दोबारा रिवीजन का मन करे, क्लास को दोबारा लगा के भाषणबाजी को काट के मेन मुद्दे पे आके स्पीडोमीटर पे लगा के डबल स्पीड लगा के सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लो। तो आपको वोकैब की क्लास से भी रिवीजन मारना है, आपको किताब से रिवीजन मारना है। जो किताब में लिखा रहेगा हाँ किताब लेके बैठ जाओ, फिर किताब से दोबारा रिवाइज करो। अब किताब लेके बैठ जाओगे, जिनके पास नहीं है मंगा लेना, किताब लेके बैठ जाओ ये करो। तो इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया। वोकैब बैच मेरा एक और आ चुका है, वोकैब बैच मेरा एक और आ चुका है, 176 क्लास लिए मैंने उसमें, और ये दूसरा वोकैब बैच है। अब आपको पहले वाला देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पहले वाला बैच देखने की जरूरत नहीं है, अब पहले वाला नहीं देखने की जरूरत है आपको। इसी तरीके का डेली सेशन रहेगा, लेकिन बेटा लाइव डेली की डेली इसी इंटरेस्ट के साथ बने रहना। आपका इंटरेस्ट कम होगा, सर मैं क्लास बंद कर दूंगा, सिंपल बता रहा हूं भाजी, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। कोई ने कहा कोई भी अच्छा टीचर YouTube पे इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि जो पहले दिन बच्चा आग बबूला होके आग दिखाता है ना, वो कंटिन्यू नहीं रखता है। फिर लगता है यार अगर सामने वाला अगर सीरियस नहीं है ना, टीचर क्या करेगा सीरियस रहकर। इसलिए तो मैं मोटिवेट भी कर रहा हूं, अपनी रेगुलर बनाओ और स्कोप प्री बैच जिस दिन समझ लिया ना उसी दिन बंद कर दो, पेड बैच की तरह सीरियस रहना है। वरना मुझे कुछ नहीं, मैं खाली बैच में करा दूंगा अपने, मैं फिर अपने खाली बैचेज में करा दिया करूंगा वो कैब, मैं क्यों यूट्यूब पे कराऊं। इसलिए सर प्लीज रेस्पेक्ट कीजिए हर उस व्यक्ति की जो आपकी अच्छाई के लिए जी रहा है। और बेटा जिस दिन नौकरी मिल जाए आप भी कोशिश कीजिएगा फ्री पढ़ाने की, आप भी कोशिश कीजिएगा सही डायरेक्शन देने की सबको, ठीक है ये चीज। क्योंकि आजकल यूट्यूब पर देखो मैं खुद हैरान हूं, कोई भी बंदा स्ट्रेटजी बता रहा है ऐसे करे वो कैब याद, ऐसे करे, इससे अच्छा तरीका हो सकता है बेटा वो कैब याद करने का? नहीं हो सकता। फिर टीचर को एक घंटे में करे 60 वर्ड, अरे ना मीनिंग समझाते हैं ना एग्जांपल होते हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा लिखने पे? दो चार बंदे बैठाए वो लिख डालते हैं। तो भाई साहब ये 2 साल में वो कैब की किताब इसलिए मैंने लिखी है, क्रीम है ये, अमृत है ये। एक भी भाषा तुम ये बता दो जो आपको समझ नहीं आयो, एक शब्द ऐसा बता दो मेरा लिखा हुआ जो आपको समझ नहीं आया। आप बोलोगे सर एकदम एक एक शब्द यू क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, जब दिल तक चीज अगर रेस्पेक्ट करके पढ़ोगे वो कैसे भूल जाओगे? लेकिन रिवीजन मस्ट है, इसलिए मैंने कहा लिस्ट बनाओ। और लिस्ट जिनके पास किताब नहीं, किताब आने के बाद लिस्ट मत बनाओ बेटा, उसी वर्ड को अंडरलाइन करो सर ने आज कितने स्टेप कराए, उन्हीं शब्दों को इसी से एक बार रिवाइज कर मारो, कल फिर कल की क्लास, फिर कल, फिर जब मैं हफ्ते में 5 क्लास लूंगा, शनिवार इतवार आपके पास पड़ेगा, शनिवार इतवार में सारी क्लासेस को देख के रिवाइज मार लो जिनकी ज्यादा वीक है, या खाली किताब से रिवीजन मार लो, आपका मर्जी सर। लेकिन बता रहा हूं मेरे बच्चे इससे आसान तरीका कसम से नहीं हो सकता वो कैब को पढ़ने का, नहीं हो सकता। थोड़े टाइम बाद मैं आपके लिए जैसे एमटीएस आ रहा है, सीएचएसएल आ रहा है, सीजीएल आ रहा है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में करा दूंगा आपको, वो अलग वो कैब का सेशन वो कैब के टाइमिंग पे उसका 9 बजे से ले लेंगे या 6:30 से 7:30 उसको करके 7:30 से, बट आफ्टर सम टाइम। अभी मैं इन्हीं असाइनमेंट बनाने में थोड़ा सा ज्यादा बिजी हूं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ये टाइपिंग वाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग मेरे को आती नहीं इसलिए हिंदी बता के छोड़ता हूं, तो बहुत ज्यादा टाइम मेरा अभी यहां जा रहा है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे सर, सेशन को लाइक करिएगा, मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस बैच को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना ज्यादा आपके ग्रुप्स बने हो सब में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, यूं ही मुस्कुराते हुए पढ़िएगा, रेस्पेक्ट कीजिएगा अपने माँ बाप की, रेस्पेक्ट कीजिएगा अपने खुद की। अब मुलाकात कल करेंगे, और बेटा जो सीरियसनेस आज दिखाई है डेली की डेली आप वो सीरियसनेस दिखा के चलिएगा तो अपने आप मंजिल मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की पहली क्लास, क्लास नंबर 2 में मेरी मुलाकात आपसे होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा बेटा, क्योंकि आपको भी जयदीप सर के बारे में किसी ने बताया होगा, तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता चला है सर के बारे में, आपको भी किसी ने बताया होगा। वैसे 1 मिलियन तक नहीं पहुंचने वाले हम, किसी ना किसी ने शेयर किया होगा, हमारे पास बच्चा बच्चे को ही तो भेजता है, सो वो अपना फर्ज थोड़ा निभाइएगा, ठीक है ना, कि हर बच्चे के पास एक अच्छाई पहुंचे। कल मिलेंगे क्लास नंबर 2, कल रहेगी क्लास 7:30 से 8:30 या 8:15 क्योंकि वही 45 मिनट में अब हमने 40-45-30 वर्ड का टारगेट उठाना है। तो नेक्स्ट स्टेप से कल बढ़ेंगे क्लास नंबर 2 से, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय।